Hello dear friends, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel e-commerce scholar. Today's topic is elasticity of demand. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे elasticity of demand के बारे में, उसके मतलब के बारे में और साथ ही साथ उसके types के बारे में. जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो demand है वो बढ़ता घटता रहता है, बहुत सारे factors depend करते हैं. डिमांड किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जगह के हिसाब से चेंज होती है, टाइम के हिसाब से चेंज होती है, इनकम के हिसाब से चेंज होती है, उसके प्राइस के हिसाब से चेंज होती है. तो बहुत सारे इसके डिटरमिनेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये बदलाव आता है, ये परिवर्तन आता है. तो ये जो चेंजेस है इसे हम इलास्टिसिटी के फॉर्म में देखते हैं. कितना इलास्टिक है, ज्यादा इलास्टिक है तो मतलब ज्यादा चेंजेस होंगे, कम इलास्टिक है का मतलब कंपेरेटिवली उतना बदलाव नहीं आएगा. आइए इसको डिटेल में समझते हैं. तो यहां सबसे पहले डेफिनेशन की बात की गई है और डेफिनेशन में कहा गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी टू अ चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटरमिनेंट्स. ठीक है, सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब साधारण शब्दों में चेंजेस होता है. ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यह हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है ना, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांड किया जा रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का या किसी भी एक गुड्स का, उसमें अगर कभी परिवर्तन आता है, कोई चेंजेस आता है, जिसे हम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं. चेंजेस का मतलब बढ़ना या घटना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस कॉमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है. प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटीज, प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटीज का मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड में चेंजेस आ रहा है. या इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और घट रही है, तो उससे क्या असर पड़ता है किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड पे. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहा जाता है. साधारण शब्दों में एक बार इसे कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के जो डिटरमिनेंट्स होते हैं, जैसे उसकी प्राइस, जैसे प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटीज में सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इन डिटरमिनेंट्स में कोई परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन या इस चेंज की वजह से अगर कॉमोडिटी की जो डिमांड है उसकी जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है ना, वो बढ़ती या घटती है, तो इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर करते हैं. ठीक है, कितनी बढ़ती है कितनी घटती है, ये जो चेंज है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से मेजर किया जाता है. आगे कहा जा रहा है कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी इज टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड लाइक इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिमांड एक ऐसी चीज है जो टाइम के हिसाब से चेंज होती है, जगह के हिसाब से चेंज होती है, प्राइस के हिसाब से चेंज होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के हिसाब से चेंज होती है, इनकम के हिसाब से चेंज होती है. तो डिमांड एक ऐसी चीज है जो हर हिसाब से चेंज हो रही है. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कहा जा रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है कि कितना सेंसिटिव, कितना सेंसिटिव का मतलब यह हुआ कि थोड़े से चेंज में, थोड़े से इनकम के चेंज में कितना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गया, थोड़ी सी प्राइस के चेंज होने पे कितना ज्यादा आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गया किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का. ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी इज टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड. तो जो इसके फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें अगर परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो कितना ज्यादा चेंज उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी या गुड्स की डिमांड में आता है, इसका जो मेजर होता है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से हम करते हैं. जैसे इन्होंने बोला, जैसे मैं आपको बता भी चुका हूं कि प्राइस के बढ़ने घटने पे डिमांड कितना बढ़ता घटता है. ठीक है, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे हम एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होते हैं जिसे साथ में, जिसकी ज्वाइंट डिमांड होती है, जैसे कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर. ठीक, इनके प्राइसेस में भी चेंज होने की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटी चेंज होती है. एंड चेंजेस इन द कंज्यूमर्स इनकम, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में परिवर्तन आने की वजह से, उसकी इनकम बढ़ने या घटने की वजह से किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की कितनी डिमांड बढ़ती घटती है, इसकी जो स्टडी होती है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर करते हैं.
आगे कहा गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब प्राइस के बढ़ने घटने पे डिमांड बढ़ता घटता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम डिमांड को स्टडी करते हैं तो बींग अ कंज्यूमर स्टडी करते हैं। अगर मैं कस्टमर हूं या कंज्यूमर हूं तो जाहिर सी बात है जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल करेगा, मतलब कम हो जाएगी। जब प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, राइज कर जाएगी, ठीक है। तो दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कंज्यूमर का जो इनकम है उसके बढ़ने घटने पे किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड पे क्या असर पड़ता है, यह है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लास्ट में जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात की जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक के बदले में हम दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिनकी ज्वाइंट डिमांड है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के बढ़ने पे जो आपकी रियल कॉमोडिटी है उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, या प्राइस के घटने पे क्या असर पड़ता है, ये हम स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आने वाले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से कवर करेंगे। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं और उसके बेसिक तीन क्या टाइप्स होते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर रोज आपको एक नया वीडियो मिल रहा है इकोनॉमिक्स पे फिलहाल, और ये तब तक मिलता रहेगा जब तक इकोनॉमिक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद, ठीक है। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ए यू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग एंड डेफिनेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम शुरुआत कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग एंड डेफिनेशन से। इसमें सिर्फ मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना समझेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिग्रीज के बेसिस के ऊपर स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग एंड डेफिनेशन। आइए सबसे पहले हम मीनिंग को समझते हैं और मीनिंग को जानते हैं। मीनिंग में सबसे पहली बात बोली गई है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की या किसी भी वस्तु की या गुड्स की जब प्राइस चेंज होती है तो उसके डिमांड में जो बदलाव आता है उसको मेजर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, बीइंग अ कस्टमर, हम आपको मालूम है ना, बीइंग अ कस्टमर हम डिमांड को स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई सामान खरीदने के लिए गया हूं और उस गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा उसकी क्वांटिटी कम खरीद के लेकर के आऊंगा, लेकिन अगर प्राइसेस कम हो गए हैं जितना मैं सोच के गया था तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे। ये ह्यूमन बिहेवियर नॉर्मली ऐसा ही होता है नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए कहा जा रहा है कि एक तरीके का मेजरमेंट है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि किसी भी कॉमोडिटी का जब प्राइस चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो उसमें जो उसकी क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ये था मीनिंग। अब डेफिनेशन, डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। एकदम मिलता जुलता इन्होंने बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कॉमोडिटी के जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं उसके प्राइस के चेंज होने पे जो डिमांड में जो परिवर्तन आ रहा है, ये जो डिग्री की बात की जा रही है ना, डिग्री के बारे में क्या कहा है, रेट ऑफ चेंज, किस स्पीड में चेंज होता है, ठीक है। प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में कितना परिवर्तन आता है उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर करते हैं और इसी के थ्रू हम इसे स्टडी भी करते हैं। जैसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर 10% रेट बढ़ गया तो डिमांड कितना परसेंट फॉल कर गया, या 10% प्राइस फॉल कर गया। मैंने कुछ गलत एग्जांपल दिया, एक बार मैं वापस एग्जांपल रिपीट करूंगा कि अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस 10% इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, तो कितना परसेंटेज उसकी डिमांड फॉल करेगी, ठीक है। उसी कॉमोडिटी के अगर
प्राइस फॉल करती है 10% तो कितना परसेंटेज डिमांड इंक्रीज करेगा, ये सारी स्टडी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने प्रिसाइजली कहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसकी उसे हम मेजर करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और उससे हमें पता चलता है कि क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या मेजरमेंट है। मतलब आप समझिए कि 100 रुपए की चीज 110 में बिक रही है तो कितना परसेंटेज बढ़ा, 10% प्राइस बढ़ गया। ठीक है, और हम 1 किलो की जगह अब 800 ग्राम खरीद रहे हैं तो अब कितना क्वांटिटी कम हो गया, 200 ग्राम क्वांटिटी कम हो गया। अब बात समझ रहे हैं, तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से किया जाता है। फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब हम परसेंटेज चेंज इन, अच्छा परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज और डेल्टा बना होता है, डेल्टा का मतलब चेंज, आपको तो मालूम है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रही। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगले लेक्चर में हम इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और मेथड्स को समझते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहली बात कही गई है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स इज डिफरेंट। अलग अलग जो गुड्स होते हैं ना, डिफरेंट गुड्स होते हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है ना वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे नेसेसिटी गुड्स की इलास्टिसिटी अलग हो गई, लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी अलग होगी, गिफ्टन गुड्स की इलास्टिसिटी अलग हो गई, इंफीरियर गुड्स की इलास्टिसिटी अलग हो गई। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज में जो गुड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है कि किस कैटेगरी के गुड्स हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ऑर्डर टू कंपेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डिफरेंट गुड्स। अगर हम डिफरेंट गुड्स की इलास्टिसिटी को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें हर गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, यही बोला है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ऑर्डर टू कंपेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डिफरेंट गुड्स। इसके आगे इन्होंने कहा द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम टू व्यू पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज पॉइंट इलास्टिसिटी एंड सेकेंड वन इज आर्क इलास्टिसिटी। तो जो मेजरमेंट होता है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसे हम दो व्यू पॉइंट्स में पुट अप करते हैं, दो व्यू पॉइंट्स के दो नजरिए से हम देखते हैं। पहला व्यू पॉइंट है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। दूसरा है आर्क इलास्टिसिटी। आइए इनको अच्छे से समझते हैं, आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। अब पॉइंट इलास्टिसिटी में कहा जा रहा है कि व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व इट इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा डिमांड कर्व होता है उसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं तो उसे हम पॉइंट इलास्टिसिटी कंसीडर करते हैं। आपके सामने एक ग्राफ है जहां पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड की बात की जा रही है, वाई एक्सिस पे प्राइस की बात की जा रही है और एक कर्व बना हुआ है। इस कर्व में जिस पॉइंट पे हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं उसे पॉइंट इलास्टिसिटी कंसीडर किया है। मतलब डिमांड कर्व में जो कर्व बनता है उसके किसी भी एक पॉइंट पे जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट इलास्टिसिटी कंसीडर किया जाता है। आइए अब बात करते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की और समझते हैं कि आर्क इलास्टिसिटी किसे कंसीडर किया जाता है। आर्क इलास्टिसिटी में कहा जा रहा है कि व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट रेंज और आर्क ऑफ अ डिमांड कर्व इट इज कॉल्ड द आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों,
आर्क इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक फाइनाइट रेंज में मेजर करते हैं, फाइनाइट रेंज का मतलब ये हो गया कि जो मेजरेबल है, इनफाइनाइट वो है जिसकी गिनती नहीं होती, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, फाइनाइट रेंज वो रेंज है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट रेंज और आर्क ऑफ अ डिमांड कर्व, अब आप डिमांड कर्व देख रहे हैं और इसका एक आर्क है, ठीक है। आप जानते हैं कि ये डिमांड कर्व बनाए, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस है। डिमांड कर्व में ए बी जो आप देख रहे हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स, इसके बीच का जो रेंज है वो आर्क है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने बोला कि व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट रेंज, ए बी इज अ रेंज या आर्क ऑफ अ डिमांड कर्व, इट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसे हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर करते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसे फॉर्मूले के थ्रू भी समझेंगे डिटेल में, अभी हम ऐसे समझ रहे हैं। आगे इन्होंने बोला देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिमांड, तीन तरीके हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं डिमांड को, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला कि परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। सबसे पहला क्या है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए सबसे पहला तरीका है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड की मदद से भी हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। और लास्ट में कहा जा रहा है कि पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक पॉइंट होता है, एक आर्क होता है, और आर्क भी तीन पार्ट में फर्दरली डिवाइडेड है, जैसे परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है, हम एक्चुअली आज के टॉपिक में ना क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दो क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करना है, उसे सॉल्व कैसे करना है और उसका लास्ट में स्टेटमेंट क्या देना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है जिसमें कहा गया है कि कंसिडर द डिमांड फॉर अ गुड, हमें डिमांड के बारे में पता लगाना है। और आगे इन्होंने कहा एट प्राइस ₹4 द डिमांड फॉर द गुड इज 25 यूनिट्स, मतलब ₹4 में 25 यूनिट की डिमांड की जा रही है। सपोज प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस टू ₹5, हम ये मान लेते हैं कि चलिए ₹4 का जो प्राइस था वो बढ़कर के अब ₹5 हो गया है, एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द गुड फॉल्स टू 20 यूनिट्स। तो जब ₹4 का था तो 25 यूनिट्स की सेल हो रही थी, अब ₹5 का हुआ तो डिमांड जो है वो 20 यूनिट्स हो गया, मतलब 5 यूनिट कम हो गया। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में पूछा जाता है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी। देखिए ओरिजिनल क्वांटिटी 25 यूनिट्स थी, ओरिजिनल प्राइस क्या था ₹4 था, ठीक है। फॉल इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 25 से 20 हो गई तो कितना फॉल किया, दैट इज डेल्टा क्यू, डेल्टा मतलब होता है चेंज और क्यू मतलब क्वांटिटी, तो फॉल कितना हुआ -5 यूनिट्स। और प्राइस कितना राइज हुआ +₹1, ठीक है। आगे इन्होंने बोला न्यू क्वांटिटी कितनी है, तो न्यू क्वांटिटी 25 में जब हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना आया 20 यूनिट्स, ये तो क्वेश्चन में बताया है। और न्यू प्राइस कितना है ₹5। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी, अब इसका फॉर्मूला इन्होंने बताया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी मतलब होता है चेंज इन प्राइस, P जो है वो ओरिजिनल प्राइस है और Q जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया कि -5 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 25, जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -0.8। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ -0.8, दैट इज डिमांड इज लेस इलास्टिक एज ईडी इज लेस देन 1। ईडी इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कितना है 0.8, इट इज लेस देन 1। तो इन्होंने बोला कि जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1।
नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. जो नेगेटिव साइन है वो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है. इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है उल्टा रिलेशनशिप. जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड फॉल करता है, और जब प्राइस फॉल करती है तो डिमांड राइज करता है. तो सेम चीज हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में हुआ. एक और क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कहा है कि व्हेन द प्राइस इज रुपीज 20 पर यूनिट, जब प्राइस जो है वो 20 रुपए पर यूनिट है तो जो डिमांड है वो 500 यूनिट्स है, लेकिन प्राइस अब फॉल कर रहा है 15 पर यूनिट पे आ गया है, 5 रुपए कम हो गया है, तो डिमांड एक्सपैंड करके 800 यूनिट तक पहुंच गया है. आपको कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारी? 500 यूनिट्स, ठीक है. ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारा? 20 रुपीज. न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई? 800 यूनिट्स. न्यू प्राइस कितना है हमारा? 15 रुपीज. चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? मतलब डेल्टा क्यू. डेल्टा मतलब चेंज और क्यू मतलब क्वांटिटी. चेंज इन क्वांटिटी कितनी है हमारी? 300 यूनिट्स. मतलब 800 में 500 माइनस करेंगे तो 300 आएगा, राइट. न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे. और चेंज इन प्राइस 15 में से 20 को हमने माइनस किया, तो 15 माइनस 20 माइनस 5, 5 रुपए कम हो गया. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आप जानते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी. डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. तो 300 डिवाइडेड बाय माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 500. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 2.4. माइनस साइन का मतलब अभी बताया था इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है. इनवर्स रिलेशनशिप मतलब जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड फॉल करेगा, और जब प्राइस फॉल करेगी तो डिमांड राइज करेगा, ठीक है. माइनस 2.4 आया, लेकिन इट इज ग्रेटर देन 1. तो इन्होंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस 2.4. डिमांड इज हाईली इलास्टिक एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. नेगेटिव साइन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है. आप समझ रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा. देखिए, जब ED is equal to 1 आता है तो यूनिटरी इलास्टिक होता है. जब ED is greater than 1 आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो बहुत हाईली इलास्टिक है. जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो लेस इलास्टिसिटी है, ठीक है. तो ये दो एग्जांपल्स की मदद से आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, और लास्ट में क्या स्टेटमेंट दिया जाता है. उम्मीद है इससे आपको सीखने को मिला होगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ई-कॉमर्स स्कॉलर. आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की समरी. जी हाँ दोस्तों, हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया है, उनकी समरी को हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे. ये एक समरी वीडियो है, थोड़ा शॉर्ट होगा. अगला वीडियो हमारा डिटेल्ड होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर आपको ग्राफ में कंफ्यूजन है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. आपको ग्राफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है. आइए शुरुआत करते हैं. इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं. जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो 5 तरीके का होता है. सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तीसरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, चौथा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, पांचवा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी पे होता है. परफेक्टली इन इलास्टिक पे प्राइस इलास्टिसिटी 0 हो जाता है. रिलेटिवली इलास्टिक में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होता है. रिलेटिवली इन इलास्टिक में लेस देन 1 होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक में इक्वल टू 1 होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है. आइए ग्राफ से समझते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो पांचों के अलग अलग ग्राफ हैं. सबसे पहला आप ग्राफ देख सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक का ग्राफ ऐसा होता है, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक का ग्राफ, तीसरा यूनिटरी इलास्टिक, चौथा रिलेटिवली इलास्टिक, और पांचवा रिलेटिवली इन इलास्टिक. अब एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स है, वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीज है, ठीक है.
तो हमेशा एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी डिमांडेड लिखिएगा इन यूनिट्स में और वाई एक्सिस पे प्राइसेस रुपीज में। तो परफेक्टली इलास्टिक जो है ना, जो हमारा सबसे पहला ग्राफ है, इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इन्फिनिटी पे होता है। कारण क्या है इसका कि कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू बाय ऑल दे कैन गेट एट सम प्राइस बट नन एट ऑल एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। ठीक है, तो कुछ प्राइस के ऊपर कोई भी जो कस्टमर है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदने के लिए तैयार रहता है, लेकिन स्लाइटली अगर प्राइस चेंज होगा तो वो एक भी यूनिट की डिमांड नहीं करेगा। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी पे रहता है, क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो अगर स्लाइटली चेंज हो गए ना तो डिमांड खत्म हो जाएगा। और इलास्टिसिटी आप जानते हैं जो बढ़ना घटना होता है, जो डिग्री होती है चेंजेस, इलास्टिक तो वही हो गया। तो हल्का सा प्राइस में चेंज आपकी डिमांड खत्म कर सकता है, इट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है। दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, वो कैसे हुआ, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आप नीचे एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं कि आपकी जो क्वांटिटी है क्यों है वो चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रहा है, इसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंजेस। ठीक है, प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज नहीं हो रहा तो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू जीरो। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी मतलब होता है इक्वल टू वन। ठीक है, यूनिटरी मतलब जो वन के बराबर है। तो इसमें क्या है कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उसके बराबर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। ठीक है, तो यूनिटरी में बोला जाता है ईपी इज इक्वल टू वन, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इज एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज चेंज इन प्राइस। तो जितना जिस रेट में प्राइस चेंज हुआ, पी से पी वन गया, उसी हिसाब से क्यू से क्यू वन आपका डिमांड चेंज हुआ। ठीक है, आपको मालूम है ना प्राइस के बढ़ने पर डिमांड फॉल करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पी नीचे था, पी से ऊपर जैसे ही प्राइस बढ़ गया वैसे ही जो डिमांड है वो क्यू से क्यू वन पे आ गया। तो ये पी ई डी वन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन इज इक्वल टू वन। रीजन क्या है कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज द प्राइस चेंजेस। ठीक है, अगला है रिलेटिवली इलास्टिक। अब रिलेटिवली इलास्टिक में हमने क्या बोला, PED प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। अब इसमें कहा जाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज देन इन प्राइस, मतलब आपका जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली कम चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस के कम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। आप ये देख सकते हैं ना ग्राफ में, तो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, जहां पे प्राइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई। ठीक है, तो ये रिलेटिवली इलास्टिक है। रिलेटिवली इन इलास्टिक में कहा ये जाता है कि व्हेन ईपी इज लेस देन वन, ये आप देख सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन चेंज इन प्राइस, मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे कम क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं वाई एक्सिस पे प्राइस पी से पी वन तक गया है, लेकिन अब आप बड़े साफ सुथरे तौर पे देख सकते हैं कि पी से पी वन तक जब गया है तो ये प्राइस ज्यादा बढ़ी है, लेकिन डिमांड कंपेरेटिवली उतनी चेंज नहीं हुई है। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से क्यू वन तक ही पहुंचा है, जबकि पी से पी वन का जो डिफरेंस है गैप है बहुत ज्यादा है, मतलब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कंपेरेटिवली उतना फॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। तो ये थे हमारे पांच ग्राफ जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो क्या होता है, किस बेसिस पे होता है। और डिटेल वीडियो, अगला हमारा जो वीडियो होगा बहुत डिटेल होगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा, आपको और चीजें भी क्लियर होंगी। आई होप एंड बिलीव कि आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में किया गया है,
ग्राफ की मदद से उसे डिटेल में स्टडी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ की मदद से इसकी समरी समझी थी, इस वीडियो लेक्चर में हम इसे डिटेल में कवर करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल गया नया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंसिडर किया जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, दोनों सेम चीजें ही हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कहा जा रहा है, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कैन बी इलास्टिक और इन इलास्टिक, किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इलास्टिक हो सकती है या इन इलास्टिक हो सकती है। इलास्टिक का मतलब बढ़े और घटे, मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाए और कम हो जाए। इन इलास्टिक का मतलब डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ चेंज इन द डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का प्राइस किस वे में चेंज हो रहा है, उसके कंपैरेटिव कितना डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल करता है और जब प्राइस फॉल करता है तो डिमांड बढ़ता है। तो जब भी ये किसी प्रोडक्ट में इस तरीके के चेंजेस आते हैं, प्राइस के बढ़ने पर कितना डिमांड चेंज हो गया, प्राइस के कम होने पर कितना डिमांड चेंज हो गया, प्रभावित हुआ, वहीं से हम इसे स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने बोला, इलास्टिक डिमांड इज द वन व्हेन द रिस्पांस ऑफ डिमांड इज ग्रेटर विद अ स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, ठीक है। इलास्टिक डिमांड उसे कहते हैं जब, इन्होंने बोला कि जब प्राइस हल्का सा चेंज होने की वजह से डिमांड ज्यादा चेंज हो जाए तो वो इलास्टिक हो गया। इलास्टिक डिमांड इज द वन व्हेन द रिस्पांस ऑफ डिमांड इज ग्रेटर विद अ स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, प्राइस में हल्का सा चेंज आया लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गया, इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक ऑन द अदर हैंड, इन इलास्टिक डिमांड इज द वन व्हेन देयर इज रिलेटिवली अ लेस चेंज इन द डिमांड विद अ ग्रेटर चेंज इन द प्राइस, मतलब इन इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होता है जहां पे प्राइस ज्यादा चेंज हो गया लेकिन डिमांड में कंपैरेटिवली ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब प्राइस एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नेसेसिटी कॉमोडिटीज होती है ना, जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है, तो सॉल्ट का तो कंजम्पशन हमारा लिमिटेड है ना, अगर प्राइस ज्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हम स्लाइटली उसकी डिमांड कम कर देंगे, हम उसका वेस्टेज कम कर देंगे, ठीक है, जो हम अलग जगह से एडिशनल जहां पे हम सॉल्ट का यूज करते हैं उसे हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो इन इलास्टिक डिमांड का मतलब यही हुआ ना कि जब प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो गया, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डिमांड कंपेरेटिवली डिमांड के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा, डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो ऑन द अदर हैंड, इन इलास्टिक डिमांड इज द वन व्हेन देयर इज रिलेटिवली अ लेस चेंज इन द डिमांड विद अ ग्रेटर चेंज इन द प्राइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसे हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंसिडर करते हैं, और ये टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तीसरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, चौथा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, पांचवा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी पे होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो गया, रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, रिलेटिवली इन इलास्टिक में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, यूनिटरी इलास्टिक में इज इक्वल टू वन, ठीक है। आइए इन सबको एक एक करके स्टडी करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बारे में कहा जाता है कि व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कॉजेस अ मेजर चेंज इन इट्स डिमांड, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से अगर उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, तो इसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एक बार और, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा और उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। आगे इन्होंने कहा, इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अ स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड टू जीरो व्हाइल अ स्मॉल फॉल इन प्राइस कॉजेस इंक्रीज इन डिमांड टू इंफिनिटी। मतलब आप समझ रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में थोड़ा सा प्राइस फॉल करेगा, अच्छा
थोड़ा सा प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड इन्फिनिटी तक, आप बता नहीं सकते इतनी डिमांड बढ़ गई। लेकिन अगर थोड़ा सा प्राइस राइज करेगा तो डिमांड जीरो भी हो सकती है। ठीक है, इन सच केसेस द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प्स इन डिफाइनिंग द शेप एंड स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व। जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हेल्प ये करता है कि जो कर्व बनाया जा रहा है उसका शेप क्या कैसा होगा और उसका स्लोप कैसा होगा। ठीक है, वो बहुत स्ट्रेट लाइन होगा, किस टाइप का स्लोप बनेगा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आगे इन्होंने बोला, देयरफॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। फ्लैटर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना ज्यादा फ्लैटर होगा उतनी ज्यादा, मतलब अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हो गया तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, आप देख सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का जो ग्राफ है हमारे सामने है। यहाँ इन्होंने बोला है कि इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द डिमांड कर्व इज रिप्रेजेंटेड एज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे होता है और इसे हम E is equal to infinite कहते हैं, price elasticity of demand infinity पे है। It can be interpreted as that at price OP, demand is infinite. However, a slight rise in price would result in fall or demand to zero. मतलब अगर इसकी price थोड़ी सी भी बढ़ जाती तो demand zero हो जाता। ठीक है, तो price same है, demand infinity पे है, तो price elasticity of demand infinity पे है। हल्का सा भी प्राइस चेंज होगा डिमांड जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर टू, ये हमारा जो फिगर है फिगर टू है, दैट एट प्राइस पी कंज्यूमर्स आर रेडी टू बाय मच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एज दे वांट। ठीक है, पी प्राइस पे कंज्यूमर जितना भी वो डिमांड करते हैं, जितना भी वो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन अ स्मॉल राइज इन द प्राइस वुड रेसिस्ट कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा वो कंज्यूमर को रोक देगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने घटने का क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इन्होंने बोला परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रोड्यूस्ड इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विद चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में जब प्राइस चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होता। आप जैसा ग्राफ में देख सकते हैं कि P1, P2, P3 तीन अलग अलग प्राइसेस आप देख सकते हैं लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड तो सेम है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, क्योंकि प्राइस का डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। प्राइस बढ़े या घटे डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो प्राइस की इलास्टिसिटी प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड इज अनइफेक्टेड। अगला कह रहे हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज जीरो। ठीक है, ईपी इज इक्वल टू जीरो, आप जानते हैं जीरो क्यों, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता प्राइस के बढ़ने या घटने पर, तो इसीलिए हम इसे इनइलास्टिक डिमांड कंसिडर करते हैं। इन द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, डिमांड कर्व इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल बन रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द फिगर थ्री। ये फिगर थ्री आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा फिगर यहाँ पे भी आपके लिए हेल्प के लिए लगा रखा है, आप देख सकते हैं। इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर थ्री दैट द मूवमेंट इन प्राइस फ्रॉम OP1 टू OP2 है and OP2 to OP3 does not show any change in the demand of a product OQ. तो OP1 से आप ये OP1 देख सकते हैं, OP2 देख सकते हैं, OP3 देख सकते हैं, जो प्राइस चेंज हो रही है उसे डिमांड में कोई असर नहीं पड़ रहा। द डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ प्राइस। तो जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंट है, आप प्राइस कितना भी बदल दो वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज अ थियोरटिकल कॉन्सेप्ट एंड कैन नॉट बी अप्लाइड इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है ये थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है और इसे हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। आगे कहा जा रहा है, हाउएवर इन केस ऑफ एसेंशियल गुड्स सच एज सॉल्ट द डिमांड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्राइस। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एसेंशियल गुड्स है, जैसे सॉल्ट। सॉल्ट की प्राइस टाटा नमक 20 रुपए किलो आता है, आप उसे 40 रुपए किलो कर दीजिए
आपने प्राइस एग्जैक्टली डबल कर दिया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे उतना अभी भी आप कंज्यूम करेंगे, तो प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। और आखिरी में इसमें बोल रहे हैं, देयरफॉर द डिमांड फॉर द एसेंशियल गुड्स इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, जो एसेंशियल गुड्स की जो डिमांड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, क्योंकि उनके प्राइस में चेंज होने की वजह से उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, हमारा थर्ड जो कैटेगरी है उसमें बोला गया है कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? देखिए, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में कहा जाता है कि जो क्वांटिटी डिमांड है चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आएगा उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा। मतलब प्राइस अगर 10% फॉल करती है तो 20 से 30 से 40% डिमांड राइज कर जाएगी। तो प्राइस आपका सिर्फ 10% फॉल हुआ है लेकिन डिमांड 30, 40, 50% बढ़ गई। तो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसमें हम बेसिकली प्राइस को और क्वांटिटी डिमांडेड को आपस में कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन्होंने बोला है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रिफर्स टू द डिमांड when the proportionate change produced in demand is greater than the proportionate change in price of a product। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट चेंज जो प्राइस में आ रहा है उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज डिमांड में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसमें आगे कहा जा रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेंजेस बिटवीन 1 टू इंफिनिटी। तो ये 1 से इंफिनिटी के बीच में रेंज करता है, 1 से कभी कम नहीं होता। मैथमेटिकली हम इसे बोल सकते हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज नोन एज मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो दिस इज मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट का मतलब होता है 1। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, प्राइस के थोड़ा चेंज होने से डिमांड भारी भरकम चेंज हो गया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 20% एंड द डिमांड प्रोड्यूस डिक्रीज बाय 25% देन द डिमांड वुड बी रिलेटिवली इलास्टिक। प्राइस 20% बढ़ा और डिमांड 25% फॉल कर दिया। ठीक है, तो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, देखिए P1 से P2 डिमांड फॉल कर रहा था। ठीक है, तो Q1 से Q2 डिमांड इंक्रीज हो गया। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे प्राइस का जो डिफरेंस है उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है। तो इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर 4। ये फिगर 4 है, दैट द प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड फ्रॉम OQ1 to OQ2 is relatively larger than the proportionate change in price from OP1 to OP2. ठीक है, quantity change ज्यादा हो रहा है और price comparatively कम change हो रहा है, तो price elasticity of demand is greater than 1. Relatively elastic demand has a practical application as demand for many products respond in the same manner with respect to change in their price. ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये रिलेटिवली इलास्टिक जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि कई बार ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि थोड़ा सा प्राइस के बढ़ने या घटने पे डिमांड में भारी भरकम चेंजेस आ जाते हैं। अगला है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब आप समझ रहे ना कि ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, और रिलेट किससे कर रहे हैं? प्राइस से रिलेट कर रहे हैं। किसको रिलेट कर रहे हैं? डिमांड को रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन द परसेंटेज चेंज प्रोड्यूस्ड इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट की प्राइस में जितना भी चेंज आता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कंपेरेटिवली उतना चेंज नहीं आ रहा, तो इसे हम रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बोला, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 30%, प्राइस जो है वो 30% इंक्रीज हो गया, एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेस बाय 10%, जो डिमांड है वो 10% डिक्रीज हुआ, देन द डिमांड वुड बी कॉल्ड रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक है, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस 30% बढ़ रहे हैं और जो डिमांड है वो 10% फॉल कर रहा है, तो ये रिलेटिवली ज्यादा इलास्टिक नहीं है। ठीक है, इन इलास्टिक है। आगे कह रहे हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेंजेस बिटवीन 0 to 1। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में रेंज करता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। मार्शल हैज टर्म्ड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड एज इलास्टिसिटी बिगिन बीइंग लेस देन यूनिटी। ठीक है, तो मार्शल ने क्या बोला कि इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटी। तो हम यहाँ देख सकते हैं द डिमांड कर्व ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड इज रैपिडली स्लोपिंग,
और आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में Q1 से Q2 और प्राइस में P1 से P2। इसमें इन्होंने बोला कि इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर 5 दैट द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फ्रॉम OQ1 टू OQ2 इज रिलेटिवली स्मॉलर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस फ्रॉम OP1 टू OP2। ठीक है, प्राइस में OP1 से OP2 तक चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड उतना चेंज नहीं हो रहा जितना प्राइस चेंज हो रहा है। तो ये प्रोपोर्शनेटली इनइलास्टिक है। ठीक है, इसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्राइस में आप देख सकते हैं कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में उतना परिवर्तन नहीं आ रहा। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हैज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज डिमांड फॉर मेनी ऑफ द प्रोडक्ट रिस्पॉन्ड इन द सेम मैनर विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन देयर प्राइसेस। लेट अस अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशन ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये रहा एग्जाम्पल और ग्राफ, और आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, साधारण शब्दों में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, मतलब यूपी इज इक्वल टू 1। और इसमें इन्होंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज प्राइस चेंजेस, मतलब 10% प्राइस बढ़ने पर 10% क्वांटिटी फॉल होती है, 10% प्राइस के फॉल होने पर 10% क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड प्रोड्यूसेस द सेम चेंज इन द price of the product, the demand is referred to as unitary elastic demand. ठीक है, the numerical value EP is equal to 1. The demand curve for unitary elastic demand is represented as a regular hyperbola. तो ये hyperbola बनाया जाता है। आप देख सकते हैं P1 से P2 जो price fall हो रहा है, तो Q1 से Q2 demand rise हो रहा है। तो जितना प्राइस फॉल हुआ उतना ही परसेंटेज डिमांड राइज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे E is equal to 1 क्या हो गया, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ 1 हो गया। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय YouTube चैनल AU कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, वो परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। रीजन ये है कि परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड हमें एग्जैक्ट आंसर बताता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और इसे समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड by the ratio of percentage change in the quantity demanded to a percentage change in the price of the commodity. जी हाँ दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जो भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहे हैं उसका परसेंटेज, और जो भी प्राइस में चेंज आ रहा है उसका परसेंटेज, इन दोनों का हम रेशियो जब निकालते हैं और इस रेशियो की मदद से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर किया जाता है बाय द रेशियो मतलब रेशियो की मदद से ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड होता है, टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। और परसेंटेज चेंज, ध्यान देने वाली बात यह है कि परसेंटेज चेंज की बात की जा रही है और इनके रेशियो की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि द एडवांटेज ऑफ परसेंटेज मेथड टू मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट इट गिव्स अ प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट मेजर ऑफ द इलास्टिसिटी। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है परसेंटेज मेथड का, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, वो ये है कि ये जो भी हम मेजर करते हैं ना इलास्टिसिटी, उसका एग्जैक्ट और प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड का, कि जो भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें मिल जाता है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि लार्जर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स दैट द डिमांड इज मोर सेंसिटिव टू अ चेंज इन प्राइस, स्मॉलर वैल्यू इंडिकेट्स डिमांड इज लेस सेंसिटिव। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम मेजर करते हैं तो उसमें अगर बड़ा चेंज आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब जो डिमांड है वो प्राइस के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लार्जर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है,
थोड़े से प्राइस चेंज होने में बहुत ज्यादा डिमांड में अंतर आ सकता है, और स्मॉलर वैल्यू इंडिकेट्स डिमांड इज लेस सेंसिटिव। जो स्मॉलर वैल्यू है वो ये इंडिकेट करेगा कि जो डिमांड है वो कम सेंसिटिव है, ठीक है। मतलब प्राइस के चेंज होने पर डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते। अब इसे एक एग्जाम्पल की मदद से, एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। आइए क्वेश्चन की मदद से हम इसे इवैल्यूएट करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये बुक का क्वेश्चन है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आप अपने बुक में इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, और इवन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ एग्जाम में। तो आइए इसी क्वेश्चन को समझते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो कहा जा रहा है कि कंसिडर द डिमांड फॉर अ गुड, ठीक, हम एक गुड की बात कर रहे हैं। एट अ प्राइस 4 द डिमांड फॉर द गुड इज 25 यूनिट्स। 4 रुपए का कोई एक गुड है, जब 4 रुपए में उसकी कीमत है तो 25 यूनिट बेचा जा रहा है। सपोज जो गुड्स की प्राइस है वो इंक्रीज हो गई 5 रुपए, तो 4 रुपए से बढ़कर के कितना हो गया 5 रुपए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो डिमांड है गुड की वो फॉल हो गई 20 यूनिट्स। आपको मालूम है लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड फॉल करता है, और जब प्राइस फॉल करती है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो एक कॉन्स्टेंट, एक निर्धारित प्राइस पे डिमांड थी 25 यूनिट्स, 4 रुपीज पे 25 यूनिट्स। अब प्राइस आपने इंक्रीज कर दी तो जाहिर सी बात है डिमांड फॉल करेगा। अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसी फॉर्मूले से हम पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है। हमारे सामने 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन इस जगह पे जो फॉर्मूला काम करेगा वो ऊपर वाला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो सप्लाई का है। सप्लाई वाला फॉर्मूला इसलिए दिया है क्योंकि ऊपर जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आता है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड आता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। हमारा जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए है वो ऊपर वाला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज डेल्टा पी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं कि ओरिजिनल क्वांटिटी थी 25 यूनिट्स, ओरिजिनल प्राइस था 4 रुपीज, प्राइस 1 रुपए बढ़ गया और उससे क्वांटिटी 5 यूनिट्स माइनस हो गई, रिड्यूस हो गई, फॉल हो गई, ठीक है। अब न्यू प्राइस क्या है 5 रुपीज और न्यू क्वांटिटी क्या है 20 यूनिट्स। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला इन्होंने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, क्यू का मतलब क्वांटिटी होता है, तो डेल्टा क्वांटिटी चेंज, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इसे जब हमने सॉल्व किया तो आया -0.8, नेगेटिव में आया, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -0.8, डिमांड इज लेस देन इलास्टिक एज ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो 0.8 इज लेस देन 1, ठीक है। तो जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है क्योंकि 1 से कम आया, 1 से ज्यादा होता तो मोर इलास्टिक होता। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जहां इनवर्स रिलेशनशिप, वही लॉ है वो हो गया हमारा, जहां प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी फॉल करेगा, जब प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज करेगा, ठीक है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें हम ऑलरेडी परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड हम कवर कर चुके हैं, जो दूसरा मेथड है हमारा जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कंसीडर करते हैं या टोटल आउटले मेथड कंसीडर करते हैं, जिसकी मदद से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे, आज हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये है कि वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सजेस्टेड बाय मार्शल इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ दोस्तों,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का एक मेथड प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, जिसका नाम था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ, ये जो हमारा टॉपिक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसकी मदद से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, उसको मेजर करने का जो मेथड बताया था वो प्रोफेसर मार्शल ने बताया था। दूसरी बात कही गई है कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड ऑन द परचेज ऑफ अ कॉमोडिटी। कहने का मतलब, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी को जब परचेज किया जाता है एक हाउसहोल्ड द्वारा, तो उसमें जो भी टोटल खर्चा आता है उसे हम टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले कंसिडर करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड ऑन द परचेज ऑफ अ कॉमोडिटी। किसी भी एक कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए जब हाउसहोल्ड जो भी टोटल खर्चा करता है, तो उसे टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले कंसिडर किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, फॉर्मूले से समझते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी को जो हम डिमांड करते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर TE इज टोटल एक्सपेंडिचर, P इज प्राइस एंड Q इज क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ क्यों नहीं रहा है भाई? अरे भाई बढ़ो, चेंज हो गया। यहां पे इन्होंने एक डेफिनेशन दी है और डेफिनेशन में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ कॉमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। देखिए, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जब प्राइस चेंज होती है, तो प्राइस चेंज होने से हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी चेंज होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर चेंज हो गया। प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगा, हम ज्यादा खरीदेंगे, तो भी यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हमारा चेंज हुआ। तो इन्होंने बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जब उसकी प्राइस में चेंज आया। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन कैटेगराइज 3 types ऑफ इलास्टिसिटीज। पहला इलास्टिक डिमांड, दूसरा इनइलास्टिक डिमांड, तीसरा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आइए तीनों को एक एक करके स्टडी करते हैं ग्राफ की मदद से। सबसे पहली बात बोली गई है इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड में बोला जा रहा है ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं, जहां पे ईडी इज ग्रेटर देन 1 या ईपी इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पे जो इसका डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर and a rise in the price leads to decrease in total expenditure, elasticity of demand is greater than 1। ठीक है, तो यहाँ पे elasticity of demand is greater than 1 आप देख सकते हैं, इसे हम elastic demand consider कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि जब किसी भी एक particular commodity की जब price fall होती है, उससे total expenditure increase हो जाता है, क्योंकि उसकी demand बढ़ जाती है। When a fall in the price of commodity result in increase in total expenditure, प्राइस फॉल हुई, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो टोटल खर्चा बढ़ जाएगा। और वाइस वर्सा इन्होंने बोला कि राइज इन द प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो ये वो कंडीशन है जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा है। एग्जाम्पल देखते हैं, जब 2 रुपए का कोई कॉमोडिटी बिक सॉरी जब 20 रुपए की कोई कॉमोडिटी बिक रही थी, तो हम 10 यूनिट उसे डिमांड कर रहे थे। यहाँ पे पेन का एग्जांपल है, तो जब 20 रुपए का पेन था तो 10 यूनिट हमने डिमांड किया तो 200 रुपए खर्चा आया। जब वही पेन हमारा 10 रुपए का हो गया तो हमने 30 पेन डिमांड कर लिया, क्योंकि प्राइस फॉल हुई तो डिमांड राइज करेगी, तो हमारा टोटल खर्चा कितना बढ़ गया, कितना ज्यादा बढ़ गया आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन और यहाँ पे हमारा खर्चा बढ़ रहा है। इसी चीज को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। हमेशा ध्यान दीजिएगा वाई एक्सिस में हमेशा प्राइस की बात की जाती है, एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी डिमांड की बात की जाती है। तो आप देख सकते हैं 10 रुपए में हम 30 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं और 20 रुपए में हम 10 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। डिमांड की ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये है क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, ठीक। अब इन इलास्टिक डिमांड की बात कर लेते हैं। इन इलास्टिक डिमांड में जो फॉर्मूला बोला गया है वो ईडी इज लेस देन वन बोला गया है या ईपी इज लेस देन वन। आप इसे ईडी ईपी कुछ भी बोल सकते हैं, आपको मालूम है दोनों सेम ही होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही डिनोट किया जाता है। आगे इन्होंने बोला कि व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर एंड अ राइज इन इट्स प्राइस इंक्रीजेस द टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन वन। मतलब इन्होंने बोला कि जब एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जब प्राइस फॉल होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होता है, और जब प्राइस इंक्रीज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन हम कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जब पेन का प्राइस 5 रुपए था तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 60 यूनिट्स। कितना खर्चा आ रहा था, 300। अब प्राइस फॉल हो गई 5 रुपए से 2 रुपए हो गई तो हमने डिमांड 100 रुपीज कर दी, 100 क्वांटिटी कर दिया, तो भी हमारा खर्चा कम है पिछली बार की कंपैरिजन। तो दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज लेस देन वन। सेम चीज को हम ग्राफ में हम दिखा सकते हैं। आप जानते हैं वाई एक्सिस में हमारा प्राइस होता है, एक्स एक्सिस में हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होता है। जब 5 रुपए था तो हम 60 यूनिट डिमांड कर रहे थे, ठीक है। जब 2 रुपए हो गया तो हमारा डिमांड बढ़कर 100 यूनिट्स हो गया, तो इसे बोलेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज लेस देन वन इन इलास्टिक डिमांड। लास्ट में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी इज इक्वल टू वन या ईपी इज इक्वल टू वन। इन्होंने बोला व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन या यूनिटरी। इन्होंने बोला कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, प्राइस के चेंज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसे हम यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। एग्जाम्पल, जब 10 रुपए का पेन था, 30 यूनिट्स हम डिमांड कर रहे थे, टोटल 300 रुपए का खर्चा। जब पेन की प्राइस फॉल कर गई तो डिमांड राइज हो गया, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, तो यहां पे हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन। ग्राफ की मदद से समझते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। जब 10 रुपए का था तो हम कितना डिमांड कर रहे थे, 30 यूनिट्स। जब 5 रुपए का हो गया कितना डिमांड करने लगे, 60 यूनिट्स। डिमांड का लाइन ऐसे हमारा स्लोप बनेगा, ठीक है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होते हैं। उनमें जो तीन अलग अलग इलास्टिसिटी को जो कैटेगराइज किया है, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसे हम पॉइंट मेथड, जिसे हम ज्योमेट्रिक मेथड कंसिडर करते हैं, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो पॉइंट मेथड है या ज्योमेट्रिक मेथड है, आज हम उसे स्टडी करने वाले हैं। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। सो हमारा टॉपिक है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। में सबसे पहली बात कही गई है कि ज्योमेट्रिक मेथड वॉज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मार्शल एंड इज यूज टू मेजर द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। जी हाँ दोस्तों, जो पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड है, इसे प्रोफेसर मार्शल ने सजेस्ट किया था, और ये सजेशन जो मिला था वो इसलिए मिला था कि जो डिमांड कर्व है वो उस डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ग्राफ बना करके समझाने की कोशिश करता हूं। ये माउस से बनाया जा रहा है इसीलिए टेढ़ी लाइनें हैं, तो भावनाओं को समझिएगा। ये है हमारा वाई एक्सिस जो हमेशा प्राइस होता है ना, और ये है हमारा एक्स एक्सिस जो हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ठीक। अब डिमांड कर्व बनता है कुछ इस प्रकार से। अब प्रोफेसर मार्शल ने सजेस्ट किया ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें इस पॉइंट पे हम किसी भी पॉइंट, ये जो डिमांड कर्व बना ना हमारा नेगेटिव स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है हमारा,
इसमें किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये एक मैंने पॉइंट बना दिया, तो हम इस पॉइंट पे हम या किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मेथड की मदद से। ठीक है, तो मतलब जो डिमांड कर्व बनता है उसमें किसी भी एक पॉइंट को जब हम मेजर करते हैं तो ज्योमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। ठीक है, और ये सजेस्ट किया था किसने, प्रोफेसर मार्शल ने। दूसरी बात कही गई है, व्हेन देयर आर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड देन ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज। इन्होंने कहा कि जब प्राइस में, आपको मालूम है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लॉ क्या है, कि जब प्राइस बढ़ता है डिमांड फॉल करता है, जब प्राइस फॉल करता है डिमांड राइज करता है। इन्होंने बोला कि अगर प्राइस में इनफाइनाइट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है डिमांड में भी इनफाइनाइट चेंजेस होने तय हैं। तो उस मूवमेंट पे जब आप किसी पॉइंट को मेजर करते हैं तो आप ज्योमेट्रिक मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए, इन मेजरमेंट्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा, व्हेन देयर आर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस, फाइनाइट मतलब विच कैन बी काउंटेबल, इनफाइनाइट मतलब विच के नॉट बी काउंटेबल, मतलब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो व्हेन देयर आर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड देन द ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज्ड। तीसरा कह रहे हैं, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड। जी हाँ दोस्तों, इसका और एक नामकरण किया हुआ है, ग्राफिक मेथड भी कहा जाता है और पॉइंट मेथड भी हम कंसिडर करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड को, या एक और नाम है, वाह, आर्क मेथड। ठीक है, तीसरा भी नाम मिला हुआ है इसको, आर्क मेथड भी कंसिडर किया जाता है। आर्क मेथड की थोड़ी स्टडी अलग होती है पॉइंट मेथड के कंपैरिजन, वो हम अभी करेंगे समझेंगे, और ऑलरेडी हम शायद पॉइंट मेथड और आर्क मेथड को स्टडी कर चुके हैं अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, लेकिन इसको भी हम अभी देखेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, इन्होंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो जो हमारा डिमांड कर्व है ना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा डिमांड कर्व, तो इन्होंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग हो गया, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग हो गया, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी, तो कोई भी अलग अलग पॉइंट आप एक डिमांड कर्व की स्ट्रेट लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं ना, तो उन सबका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग होगा अलग पॉइंट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला, इन ऑर्डर टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व फ्रॉम दैट पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो इन्होंने बोला कि ज्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि लोअर को हम अपर से डिवाइड कर देते हैं। नीचे आप यहाँ पे ग्राफ के बगल में एक फॉर्मूला देख सकते हैं जहां पे इलास्टिसिटी एट पॉइंट एन बोला है, जहां पे लोअर सेगमेंट को डिवाइड किया गया है अपर सेगमेंट से। ठीक है, तो जब हम ज्योमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो इस हिसाब से किया जाता है। अगला इन्होंने फॉर्मूला भी बता रखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व दैट इज एल एस डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व दैट इज यूएस। यूएस इज अपर सेगमेंट, एल एस इज लोअर सेगमेंट। ठीक है, इन्होंने आगे बताया कि एज सीन इन फिगर 4.1 इलास्टिसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट एन इज कैलकुलेटेड एज एन क्यू डिवाइडेड बाय एन पी। एन क्यू बोले तो ये आप देख सकते हैं ग्राफ में, डिमांड का जो कर स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, एन क्यू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय एन पी अपर सेगमेंट। वाई एक्सिस पे प्राइस ही होता है, हमेशा याद रखिएगा, प्लीज कभी ये गलती से भी मत भूलिएगा ये चीजें लिखना, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है। ठीक है, और पॉइंट जो भी होता है ना उसको नाम जरूर दीजिएगा, जैसे वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है इसको पॉइंट पी कहा गया है, सेंटर में जो पॉइंट है एन कहा गया है, और एक्स एक्सिस के पॉइंट को क्यू कंसिडर किया गया है। फॉर्मूला भी लिखना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है नंबर गेन करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे इन्होंने क्या कहा है कि सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज शोन इन फिगर 4.2। तो 4.2 में इन्होंने अलग अलग पॉइंट, एक पॉइंट वाई पे, सॉरी वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसे ई कंसिडर किया है, एक सेंटर में है जिसे बी कंसिडर किया गया है, ई और बी के सेंटर में ए है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे वो डी है, बी और सी के बीच में, सॉरी बी और डी के बीच में सी है। तो ये अलग अलग ज्योमेट्रिक मेथड में कंसिडर किया गया है। जो वाई एक्सिस पे होता है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होता है, जो सेंटर में होता है वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी होता है, सेंटर और वाई एक्सिस के बीच वाला एकदम उसके जो एकदम बीच में होता है उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन होता है,
एक्स एक्सिस वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर सेंटर और एक्स एक्सिस के बीच वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। अब इन पांचों को स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक में क्या बोला, यूनिटरी इलास्टिक में बोला एट द मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, दैट इज एट पॉइंट बी। ये आप देख सकते हैं ना पॉइंट बी, और ये हमारे डिमांड कर्व का एकदम सेंटर है। दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। देखिए ना ईडी इज इक्वल टू वन है, यूनिटरी बोले तो वन, ठीक है। द लोअर एंड द अपर सेगमेंट दैट इज बी डी एंड बी आर एग्जैक्टली इक्वल, तो बी डी और बीई दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो वन ही आएगा, तो ये दोनों बराबर है। दस इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय बीई इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगला इन्होंने बोला हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक बोले तो क्या है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड में चेंजेस आते हैं। जैसे इन्होंने बोला एट एवरी पॉइंट अबव द मिड पॉइंट बी, मिड पॉइंट बी के ऊपर कोई भी पॉइंट है, अबव ऑफ द होगा ऑफ द मिड पॉइंट बी बट बिलो ई, तो ई जो है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है। ई के नीचे बी के ऊपर कोई भी पॉइंट है बिटवीन ई एंड बी द इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा वन से ज्यादा होगा। अब तो आप ये देख सकते हैं ना किसी भी पॉइंट पे ईडी इज ग्रेटर देन वन, तो ईडी है वो वन से ज्यादा है। इट हैपन्स बिकॉज लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोअर सेगमेंट जो है वो अपर सेगमेंट से बड़ा है। So, ED at point A is equal to LS divided by US, that is equal to AD divided by AE, which is greater than 1, as AD is greater than AE. So, AD is greater, ये देख रहे हैं आप, AD, lower segment is greater than AE, upper segment. तो यहाँ पे highly elastic है, इसलिए elasticity of demand is greater than 1, यहाँ पे consider किया गया है। थर्ड वन इज लेस इलास्टिक डिमांड। अब लेस इलास्टिक डिमांड में क्या बोला गया है, अब लेस इलास्टिक डिमांड कहां होता है, एट एवरी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट बी बट अबव डी, तो डी जो है वो एक्स एक्सिस पे है, बी जो है वो मिड पॉइंट है जहां यूनिटरी इलास्टिक है, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट मतलब बिटवीन बी एंड डी द इलास्टिसिटी विल बी लेस देन वन, तो हमेशा इलास्टिसिटी लेस देन वन होगा। जैसे इन्होंने पॉइंट सी लिया है तो ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन कंसिडर किया गया है, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एल एस डिवाइडेड बाय यूएस, एल एस का मतलब लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय यूएस। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, एल एस दैट इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट जो है सीडी कितना छोटा सा है, लोअर सेगमेंट इज स्मॉल, अपर सेगमेंट सीई कितना बड़ा है, तो यहां पे क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। तो आप ऐसे ग्राफ बना करके मेजर कर सकते हैं कि किस जगह पे कहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा छोटा या इनफाइनाइट है या जीरो है कुछ भी है, ठीक है। तो ईडी इज लेस देन वन यहां पे कंसीडर किया गया है, दैट इज लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्राइस के बढ़ने का। अगला कह रहे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इन्होंने बोला एट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में ये एनी पॉइंट दिख रहा है आपको E, ठीक, एट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस लाइक पॉइंट ई इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइटली बिकॉज एट दिस पॉइंट देर इज नो अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि इसके ऊपर कोई अपर सेगमेंट डिमांड कर्व का है नहीं, लोअर सेगमेंट ही है पूरा का पूरा। सो ईडी एट पॉइंट ई इज इक्वल टू एल एस डिवाइडेड बाई यूएस, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, दैट इज ईडी डिवाइडेड बाई जीरो, तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। किसी भी नंबर को मैथ्स में ना, किसी भी नंबर को जब आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर इनफाइनाइट आता है या इन्फिनिटी हम कंसिडर करते हैं, एज एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स इनफिनिटी, ठीक है। तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और जो हमारा आखिरी है लास्ट है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या बोला है कि एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पॉइंट डी है ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, ठीक है, लाइक पॉइंट टू डी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज एट दिस पॉइंट देर इज नो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, सो ईडी एट दिस पॉइंट दैट इज एल एस डिवाइडेड बाई यूएस दैट इज जीरो डिवाइडेड बाई ईडी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए आंसर जीरो आएगा, मतलब जीरो डिवाइडेड बाई वन जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई थ्री जीरो, ठीक है। एज जीरो व्हेन डिवाइडेड बाई एनी नंबर गिव्स जीरो, तो ये एक्स एक्सिस पे जीरो, E एक्सिस, Y एक्सिस पे इंफिनिटी, सेंटर में वन,
उसके बाद इन्फिनिटी और वन से बड़ा ही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दोनों के बीच में, वन और जीरो से छोटा ही होगा हमेशा, तो ये सी हो गया। ठीक, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा ये पांचों चीज। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक शेयर कमेंट बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के हमारे पास 9 फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके स्टडी करेंगे हम। पहले जान लेते हैं 9 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दूसरा है नेचर ऑफ द कमोडिटी, तीसरा है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, चौथा है द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, पांचवा है टाइम फैक्टर, छठा है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, सातवां है प्राइस रेंज, आठवां है हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर और आखिरी हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आइए एक एक करके इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारे जो पहला फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब समझिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कि आप एक पर्टिकुलर गुड की जगह हम दूसरे पर्टिकुलर गुड को यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। जी हाँ दोस्तों, टी नहीं मिला तो आप क्या कंज्यूम कर सकते हैं, कॉफी। आप किसी हिल स्टेशन पर गए हैं, पहाड़ी एरिया, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, आपको मन कर रहा है कुछ गर्म चाय वाय पीने का, चाय नहीं मिलेगा लेकिन कॉफी मिलेगा, तो आप एडजस्ट कर लेंगे ना। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जहां पे टी नहीं मिला तो कॉफी से काम चल गया, कॉफी नहीं मिला तो टी से काम चल गया। जैसे दूसरा एग्जांपल कहा जाता है पेप्सी एंड कोक, राइट। पेप्सी नहीं मिला तो कोक से काम चल गया, कोक नहीं मिला तो पेप्सी से काम चल गया। तो दिस इज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो इन्होंने बोला कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट भी एक फैक्टर है किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करने के लिए। जैसे इन्होंने बोला अ कॉमोडिटी विथ मोर एंड टू सब्स्टिट्यूट्स टेंड्स टू हैव एन इलास्टिक डिमांड एंड वन विथ अ फ्यू एंड वीक सब्स्टिट्यूट्स हैज एन इनइलास्टिक डिमांड। कहने का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी है उसकी जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे, जितने ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे उनकी उतनी ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगी, जितने कम सब्स्टिट्यूट्स होंगे, जितने ज्यादा वीक सब्स्टिट्यूट्स होंगे उनकी उतनी ज्यादा इनइलास्टिक डिमांड होगी। कहने का मतलब कोई भी एक कॉमोडिटी है जैसे सोप, सोप साबुन, ठीक है, साबुन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं मिला तो आप दूसरे पे स्विच कर सकते हैं, दूसरे को यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसी कॉमोडिटी को आप ले लीजिए जिसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, न के बराबर है, तो आप क्या कीजिएगा, या वीक है, वीक सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब वो वीक पे आप जाइएगा ही नहीं, ठीक है, तो वहां पे डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है, आपकी मजबूरी बन जाती है उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को खरीदना। नेचर ऑफ कॉमोडिटी की बात इन्होंने की है कि द डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज इनइलास्टिक एंड द डिमांड फॉर लग्जरीज एंड कॉम्फर्ट इज इलास्टिक। इन्होंने बोला कि बेसिक नेसेसिटी मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। मजबूरी है आपकी, आप सबसे पहले यही सारी चीजें अपनी इनकम से परचेज करते हैं। और लग्जरीज जैसे फर्नीचर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, कार हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं लग्जरीज होती हैं, कंफर्ट की चीजें होती हैं, इनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है कि प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा ना तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगी, ठीक है। बेसिक नेसेसिटीज में प्राइस इंक्रीज होगा तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी डिमांड रहेगी रहेगी। भैया नेसेसिटीज में खाने पीने की चीजें होती हैं, आप जानते हैं, तो खाने पीने की चीजें कितनी भी बढ़ जाएं आपको तो खरीदना है ना, जिंदा रहने के लिए तो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है, प्राइस का इनकी डिमांड के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन लग्जरीज में थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ना तो हम क्या करते हैं उसकी डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं, फ्यूचर में हम खरीदेंगे जब प्राइस कम होगी या हमारी इनकम ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ कॉमोडिटी। हमारा जो अगला फैक्टर है वो है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी इनकम होती है उसका जितना प्रोपोर्शन हम एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में स्पेंड करते हैं उसका भी कुछ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा द स्मॉलर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कॉमोडिटी द स्मॉलर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारी इनकम होती है उसका जितना छोटा हिस्सा हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में खर्च करते हैं
अपनी इनकम का जितना छोटा हिस्सा, 1%, आधा परसेंट, 2% अपनी इनकम का अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में हम खर्च करते हैं, तो उतना ही उसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उतना ही कम होता है। जैसे 1% अपनी इनकम का हमने खर्च किया, तो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी 1% इफेक्ट होगी, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन अगर हमारी इनकम का अगर हम बहुत ज्यादा हिस्सा अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में खर्च करते हैं, से हमारी इनकम का हम 80-85% किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में अगर खर्च कर देते हैं, तो उसमें स्लाइटली भी अगर चेंज आता है ना, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाता है, तो हम उसकी डिमांड खत्म कर देते हैं, नहीं भैया अभी नहीं खरीदेंगे, जब प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे। मोरल साधारण शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमारी इनकम का जितना छोटा हिस्सा हम किसी भी एक कॉमोडिटी में खर्च करते हैं, क्योंकि हमने बहुत छोटा प्रपोर्शन खर्च किया है, तो जो भी चेंजेस आएगा वो बहुत अनइफेक्टेड होगा, वो इनइलास्टिक हो गया हमारे लिए एक हिसाब से, क्योंकि हम उसे खरीदेंगे खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में खर्च करने जा रहे हैं, और उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ जाता है, तो डिमांड पूरी तरीके से इलास्टिक हो जाएगा, हम खरीदना बंद कर देंगे, हम पोस्टपोन कर देंगे, हम बोलेंगे बाद में जब इसकी प्राइस कम होगी तब हम इसे परचेज करेंगे। तो ये हो गया प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। अगला, द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कॉमोडिटी, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी है उसके कितने ज्यादा यूज हैं। जैसे मिल्क होता है, मिल्क से आप मिल्क को भी यूज कर सकते हो, उसका कर्ड भी बना सकते हो, उसका घी भी बना सकते हो, उससे मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का कितना यूज करते हो इसकी बात कही गई है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कॉमोडिटी कैन बी पुट टू, द ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी को जितना ज्यादा आप यूज कर सकते हो अलग अलग चीजों में, उतना ज्यादा उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसको परचेज तो किया जाएगा, लेकिन एकदम बहुत नेसेसरी चीजों के लिए यूज किया जाएगा, बाकी चीजों के लिए यूज नहीं किया जाएगा उसको, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जिन प्रोडक्ट्स के जितने ज्यादा यूजेस होते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कॉमोडिटी कैन बी पुट टू, एक कॉमोडिटी को जितना ज्यादा यूज में हम रख सकते हैं उतना ज्यादा उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ठीक है। तो ये था अगला पॉइंट है हमारा। हमारा जो अगला फैक्टर है वो है टाइम फैक्टर, और टाइम फैक्टर में क्या कहा गया है जरा देखते हैं। इन्होंने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी इज जनरली लो फॉर शॉर्ट पीरियड एज कंपेयर टू द लॉन्ग पीरियड। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट पीरियड के लिए हमेशा जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है हमेशा लो रहती है, और लॉन्ग पीरियड के लिए प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा हाई रहती है। मतलब दिस इज फॉर टू रीजंस। फर्स्टली, इट टेक्स टाइम फॉर कंज्यूमर्स टू एडजस्ट देयर टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स। शॉर्ट टर्म के लिए लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लंबा समय चाहिए उनको, जैसे आप कहीं ट्रैवल पे निकले, ठीक है, घर के लिए अगर आपको कोई खाना खाना है, तो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बात है तो आप पूरा अरेंजमेंट अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि इट्स अ टाइम फैक्टर, लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन जब आप ट्रैवल पे निकले, टूर पे निकले, तो रास्ते में अगर कुछ भी मिलता है तो आप एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में इलास्टिसिटी बहुत लो रहती है, लॉन्ग पीरियड में हमेशा हाई रहती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पहला रीजन यह है कि कंज्यूमर्स को टेस्ट प्रेफरेंस और हैबिट्स को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इन द लॉन्ग पीरियड कंज्यूमर्स मे एडजस्ट देयर प्रेफरेंसेस एंड कंजम्पशन पैटर्न। दूसरा, इन्होंने बोला लंबे समय में नए नए सब्स्टिट्यूट्स डेवलप हो जाते हैं। लंबे समय, लॉन्ग पीरियड में क्या है, नए नए सब्स्टिट्यूट्स आ गए, तो फिर वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाती है। शॉर्ट टर्म में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपका, तो आपको ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब उस नए टेस्ट प्रेफरेंस, वो वन टाइम की ही बात है एडजस्ट करना, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर शॉर्ट पीरियड के लिए है तो आपकी इलास्टिसिटी बहुत लो है, नेसेसिटी बन गया है, आपको आपकी मजबूरी बन गई एक हिसाब से। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या हो गया, वो इलास्टिक हो गया, क्योंकि आपका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, आपके पास एक नया सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं, ठीक है। अगला है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का कंजम्पशन अगर हम पोस्टपोन कर दें, अगर उसकी पॉसिबिलिटी है, तो उसके क्या असर पड़ेगा जरा देखते हैं। इन्होंने कहा कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इलास्टिक इफ इट्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन। किसी भी एक प्रोडक्ट का अगर कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर देंगे तो उसका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा। द कंजम्पशन ऑफ क्लॉथिंग, एयर कंडीशन एंड फर्नीचर एक्सेट्रा। जैसे कपड़े का कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, एयर कंडीशन का, ये भी एक लग्जरी या कंफर्ट की चीज है, इसका भी कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, फर्नीचर भी हम बाद में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसका जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इलास्टिक हो गया नेचर का। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन हम
इनइलास्टिक होता है, जैसे फूड आइटम्स विच कैन नॉट बी पोस्टपोन, तो उनका जो डिमांड होता है हमेशा इनइलास्टिक होता है, आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो अगला फैक्टर है वो है प्राइस रेंज। अब प्राइस रेंज के बारे में कहा जा रहा है कि डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी टेंड्स टू बी इनइलास्टिक एट वेरी हाई एंड वेरी लो प्राइसेस एंड इलास्टिक विद इन द मॉडरेट रेंज ऑफ प्राइसेस। कहने का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर प्राइस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। अगर बहुत ज्यादा है तो लग्जरी है, अमीर लोग खरीद सकते हैं तो उनके लिए इनइलास्टिक है, पैसा है भैया खरीद लेंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर प्राइस बहुत कम है, जैसे मैच बॉक्स है, ठीक है, तो इसकी भी डिमांड इनइलास्टिक है, भैया प्राइस कितना बढ़ जाएगा, 2 रुपए का माचिस का डब्बा 3 रुपए का हो जाएगा, 4 रुपए का हो जाएगा, 5 रुपए का हो जाएगा, आप डबल से भी ज्यादा प्राइस बढ़ा दीजिएगा तो भी उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। तो इन्होंने बोला कि प्राइस रेंज में अगर कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी बहुत महंगा है या बहुत ही सस्ता है तो वो इनइलास्टिक है, खरीदने वाला खरीदेगा, लेकिन अगर मॉडरेट है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आती है क्योंकि थोड़ा सा प्राइस बढ़ने या घटने पे डिमांड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगला फैक्टर है हमारा हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के हैबिट्स की बात की जा रही है, तो कंज्यूमर के हैबिट्स में बोला जा रहा है, इफ कंज्यूमर आर हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग सम कमोडिटीज लाइक सिगरेट कॉफी एसेट्रा। आपने देखा होगा ना आजकल मॉडर्न लोग बहुत ज्यादा कॉफी कंज्यूम करते हैं, गांव के लोग चाय कंज्यूम करते हैं, नॉर्मली लोग बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप जितना ज्यादा मेट्रो पॉलिटिन सिटीज में जब आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि वहां के लोगों का एक रिसर्च के हिसाब से कहा गया है कि वो लोग कॉफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कॉफी चाय के कंपैरिजन महंगी मिलती है, ठीक है, तो वो लोग कॉफी कंज्यूम करते हैं और उनकी आदत हो जाती है, जिनकी चाय कंज्यूम करने की हैबिट है तो आप देखिए वो हैबिचुअल है, नहीं मिलेगा तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनके लिए भी है कि उनको नहीं मिलेगा तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये हैबिचुअल चीज है। इफ कंज्यूमर्स आर हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग सम कमोडिटीज लाइक सिगरेट कॉफी टी एसेट्रा दे विल कंटिन्यू टू कंज्यूम दीज इवन एट हायर प्राइसेस। तो अगर सिगरेट की प्राइसेस कितनी भी बढ़ा दीजिए दे विल कंज्यूम, कॉफी की प्राइसेस कितनी भी बढ़ा दीजिए दे विल कंज्यूम, चाय कितना भी महंगा कर दीजिए दे विल कंज्यूम, ठीक है। तो हैबिट ऑफ द कंज्यूमर भी इफेक्ट करता है किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। जो आखिरी हमारा फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या कहा है, नॉर्मली रिच कंज्यूमर्स हैव इनइलास्टिक डिमांड। जो रिच कंज्यूमर होते हैं उनकी जो डिमांड होती है इनइलास्टिक होती है, एंड इट इज सो बिकॉज राइज एंड फॉल इन द प्राइस विल नॉट मच अफेक्ट देयर पॉकेट। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है ये उनके पॉकेट को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आप बहुत रिच हैं, यू आर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, तो किसी आप क्या चीज कितनी भी महंगी हो जाए आप खरीद सकते हो। आप अपर मिडिल क्लास में आते हो या आप एलीट क्लास में आते हो, आपकी इनकम लाखों में है महीने की, ठीक है, तो हार्डली अफेक्ट करता है। कोई भी चीज की आप डिमांड करोगे उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक रहेगी क्योंकि आप बड़े रिच हो। ऑन द अदर हैंड अगर मिडिल क्लास की बात करें या पुअर पीपल की बात करें, भारत की जो जनसंख्या है उसमें 70% से ज्यादा लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो बहुत इफेक्ट होता है। थोड़ी सी प्राइस बढ़ने का मतलब है बहुत ज्यादा डिमांड पे असर पड़ना। आज भी भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो पुअर पीपल को भी जनरली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा इलास्टिक है, एज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी विल मच अफेक्ट देयर बजट। तो अमीर लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास और पुअर पीपल के लिए अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है या घटता है तो डिमांड के ऊपर बहुत भयंकर असर पड़ता है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 9 फैक्टर्स जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, माय नेम इज साहिल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारे सामने टोटल 8 इंपॉर्टेंस हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये 8 इंपॉर्टेंस इस प्रकार हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है बिजनेस डिसीजंस की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना बिजनेस के डिसीजंस को लेने में बहुत हेल्पफुल है। दूसरा इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। चौथा है इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। पांचवा है इंपॉर्टेंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। छठा है चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज।
सातवां है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, और आखिरी है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। आइए इन आठों इंपॉर्टेंसेस को एक एक करके स्टडी करें। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंस है वो है बिजनेस डिसीजंस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही बेनिफिशियल है। कैसे? सबसे पहले इन्होंने पहला पॉइंट कवर किया है जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट बोला है कि जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस रिगार्डिंग प्राइसेस एंड आउटपुट। जैसा कि आप सभी जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस ज्यादा होगा, जब प्राइस राइज करेगा तो डिमांड फॉल करेगा, और जब प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज करेगा। इस कॉन्सेप्ट की मदद से क्या किया जाता है कि हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं, ये चीज पता लगा सकते हैं कि किस प्राइस रेंज पे क्या आउटपुट हम प्रोड्यूस करें जो मार्केट में आसानी से बिक जाए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस के डिसीजंस में, क्योंकि किस प्राइस पे कितने आउटपुट को हम प्रोड्यूस करें जो मार्केट में बिक जाए। ठीक है, अगर प्राइस बहुत कम है तो हम आउटपुट ज्यादा लेकर के आएंगे, ठीक है, और प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तो कंपेरेटिवली हम कम आउटपुट लेकर के आएंगे और उसे उस हिसाब से बेचेंगे। तो इस वजह से ये हेल्पफुल है। दूसरा कह रहे हैं कि डिसाइडिंग वेदर टू इंक्रीज द प्राइस और नॉट, द फर्म शुड हैव एन आइडिया अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। कहा जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए ये फर्म को आइडिया लग जाता है। ठीक है, और ये भी आइडिया लग जाता है कि उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है, ये पूरा का पूरा आइडिया लग जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से। तो इससे बिजनेस अपना एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि राइजिंग प्राइस एडवाइज किया जाता है कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, इंक्रीज इन प्राइस विल रेज टोटल रेवेन्यू। इन्होंने कहा कि जो राइजिंग प्राइस है, जब प्राइस बढ़ रहा होता है ना, तो क्या एडवाइस दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट की डिमांड अगर वो इनइलास्टिक है, प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड इनइलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब बढ़ना घटना होता है, इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ा भी दीजिएगा तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो आगे इन्होंने बोला कि इंक्रीज इन प्राइस विल रेस टोटल रेवेन्यू। अगर प्राइस के बढ़ाने पे डिमांड आपका सेम है तो आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे टाटा नमक 18 रुपए किलो मिलता है, उसको अगर आप 20 रुपए किलो कर दीजिएगा तो डिमांड इज इनइलास्टिक, वो बढ़ेगा भी नहीं ना घटेगा, लेकिन आपका 2 रुपए से रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, आप समझ रहे हैं। अगला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मतलब जो पॉइंट है वो ये है कि राइजिंग प्राइस एडवाइजेबल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट इज लो, कंज्यूमर विल शिफ्ट द कंजम्पशन। अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस अगर कम हो गए, ठीक है, तो जो आपके कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर्स है ना, वो स्विच कर जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स को छोड़ देंगे। इन्होंने बोला कि अगर प्राइस राइज कर रहा है, ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, तो एडवाइस ये दिया जा रहा है कि कृपया करके आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस कम हो गए, आपके प्राइसेस बढ़ गए और सब्स्टिट्यूट सस्ते में मिलना शुरू हो गया कंज्यूमर्स को, तो आपके कंज्यूमर्स स्विच कर जाएंगे। तो ये बिजनेस डिसीजंस लेने में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट। अब मोनोपोलिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इन्होंने कहा कि मोनोपोलिस्ट नॉर्मली परस्यूज द पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स। जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपनाते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय रेलवे है, आप इलाहाबाद में बैठिएगा, दिल्ली जाना आपने भी है मैंने भी है, आप राजधानी में एसी फर्स्ट में जा रहे हो, मैं भी इंडियन रेलवे की एक लोकल ट्रेन में दिल्ली तक जा रहा हूँ, लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन से दिल्ली तक जा रहा हूँ और जनरल डब्बे में बैठा हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस, आपको एसी दे देंगे, थोड़ा केबिन दे देंगे एसी फर्स्ट में, अच्छा खाना दे देंगे और आपसे उसी चीज का 3000 रुपीज चार्ज करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना एसी मिलेगा, लेकिन मैं भी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा 300 रुपीज में। आपसे कितना चार्ज किया सेम चीज के लिए 3000, मुझसे कितना चार्ज किया 300, दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ढाबे पे भी वही खाना मिलता है, क्वालिटी वही होता है, रेस्टोरेंट में भी वही खाना होता है, लेकिन प्राइस में बहुत अंतर क्यों आ जाता है? दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे आप रेस्टोरेंट में आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ढाबे पे इतना कोई देगा भी नहीं आपको।
ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो मोनोपोलिस्ट आप समझते हैं ना, जिसकी मोनोपोली होती है, सिंगल सेलर होता है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपनाते हैं और वो अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हैं, लगभग लगभग सेम चीज के लिए, गुड्स के लिए, ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स। दूसरा कहा जा रहा है कि जो मोनोपोलिस्ट विल चार्ज हायर प्राइसेस फ्रॉम दोज कंज्यूमर्स हु हैव इनइलास्टिक डिमांड एंड लोअर प्राइसेस फ्रॉम दोज कंज्यूमर्स हु हैव इलास्टिक डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड बाय देम। मोनोपोलिस्ट उन प्रोड्यूसर्स सॉरी उन कंज्यूमर्स से ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं जिनकी इनइलास्टिक डिमांड है, जिनकी डिमांड चेंज नहीं होती, और उन कंज्यूमर से वो कम प्राइसेस चार्ज करते हैं जिनकी डिमांड चेंज हो सकती है, जो उनकी प्रोडक्ट्स को स्विच कर सकते हैं। तो मोनोपोलिस्ट इस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो है डिटरमिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्राइसेस आप समझते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनके प्राइसेस को डिटरमाइन करने में बहुत ही हेल्पफुल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर प्राइसेस लाइक वेजेस। तो वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, उसके बेसिस के ऊपर आप वेजेस डिसाइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के समय कितना वेजेस देना चाहिए पर यूनिट के हिसाब से। तो ये चीज तय की जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला, द राइज इन वेजेस विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स एंड इट विल कॉज अ लार्ज डिक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली अ लार्ज डिक्रीज इन डिमांड फॉर वर्कर्स। इन्होंने बोला कि अगर हम वेजेस बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं उनको ज्यादा वेज मिलेगा तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो उसकी डिमांड मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। जितनी डिमांड है उससे ज्यादा अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया ना, तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, अब अबंडेंट हो गया, जरूरत से ज्यादा सप्लाई हो गई। अब जब डिमांड ज्यादा नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि पर यूनिट आपने ज्यादा वेजेस तो दिए लेकिन आपको पर यूनिट उस हिसाब से रिकवरी नहीं हुई। इससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में मार खा सकता है, खराब हो सकता है, हो सकता है कि आपकी कंपनी के ऊपर बहुत भारी एक लॉस आ जाए क्योंकि लोग नहीं प्रेफर करेंगे उसे खरीदना। तो यहां इन्होंने बोला कि द राइज इन वेजेस विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। अगर हम वेजेस बढ़ा देते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड इट विल कॉज अ लार्ज डिक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब इससे क्या होगा कि जब वर्कर्स को ज्यादा वेजेस मिलने लगेगा वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा लेकिन डिक्रीज हो जाएगी डिमांड मार्केट में, एंड कॉन्सिक्वेंटली अ लार्ज डिक्रीज इन डिमांड फॉर वर्कर्स, और वर्कर्स की भी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। पॉइंट नंबर फोर इज कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो फॉर्मुलेशन होती है ना, फॉर्म की जाती है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने सबसे पहला पॉइंट कहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, पर्टिकुलरली टैक्सेशन पॉलिसी, द गवर्नमेंट ऑफ ग्रांटिंग सब्सिडी टू द इंडस्ट्रीज, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज एक्सेट्रा। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली टैक्सेशन पॉलिसीज को, और साथ ही साथ जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है ना, सब्सिडी, जो सब्सिडी देती है गरीब लोगों के पास जब पैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट फाइनेंशियली जो हेल्प करती है दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो कहां कहां सब्सिडी देना है, और ये डिटरमाइन करना कि पब्लिक यूटिलिटीज के लिए क्या कीमत होनी चाहिए। जैसे पब्लिक यूटिलिटीज में जैसे हो गया आपका बस सेवा जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, उसकी क्या प्राइसेस होनी चाहिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगला है, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज इट्स रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन दोज प्रोडक्ट्स विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। गवर्नमेंट इन इलास्टिक डिमांड वाली चीजों पर टैक्सेस इंपोज कर देती है और अपने रेवेन्यू को बढ़ा लेती है, अपने इनकम को बढ़ा लेती है, ठीक है। पॉइंट नंबर फाइव इज इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल ट्रेड में भी है, मतलब अगर आप दूसरे देश से कोई सामान खरीद रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे भी इंटरनेशनल ट्रेड का में बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे सबसे पहला इन्होंने पॉइंट कहा है, जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉन्सिक्वेंटली गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड देयर बाय ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहली बात में इन्होंने ये बात बोली है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहां पे
जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इन डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड के टर्म्स को डिटरमाइन करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को कॉन्सिक्वेंटली गेन करने के लिए, इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड देयर बाय ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ताकि एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका अच्छा हो जाए। अगला है हमारा चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज समझते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, इंडिया का मतलब अमेरिका का एक डॉलर इंडिया के अभी 73 रुपीज के बराबर है, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। इसमें पहली बात बोली है कि रेट ऑफ एक्सचेंज रिफर्स टू द रेट एट विच अ यूनिट ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर करेंसीज ऑफ द अदर कंट्री। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश का एक यूनिट मतलब एक डॉलर, एग्जाम्पल के तौर पे यूएस डॉलर है ना, एक डॉलर इज इक्वल टू दूसरे देश की कितनी करेंसीज के बराबर है, तो इंडिया की 73 रुपीज के अप्रोक्स बराबर है, ये हर रोज बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा कि द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज कैन बी एक्सचेंज थ्रू डिवैल्युएशन और रिवैल्युएशन ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज। जो रेट ऑफ एक्सचेंज है दो करेंसीज के बीच में, उसे बदला जा सकता है डिवैल्युएशन करके या रिवैल्युएशन करके। डिवैल्युएशन का मतलब होता है कि अपनी करेंसीज की वैल्यू ऑफिशियली हम खुद कम कर देते हैं, ठीक है, और रिवैल्युएशन का मतलब हम अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। इससे क्या कर सकते हैं कि हम जो दो अलग अलग देश की करेंसीज है उनकी वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे करेंसी को एग्जाम्पल के तौर पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि 73 रुपीज के बराबर है, ये अगर गवर्नमेंट इसे कम करके और गिरा करके 80 के बराबर कर दे, तो दो करेंसी की वैल्यू में डिफरेंसिएशन तो आ जाएंगे ना, एक डॉलर अब कितने के रुपए के बराबर हो गया, 80 रुपीज के बराबर हो गया। तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है दो करेंसीज के बीच में, जो डिवैल्युएशन या रिवैल्युएशन की मदद से हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है डिवैल्युएशन की और रिवैल्युएशन की, उसे इस्तेमाल किया जाता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए, ठीक है। अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू अगर हम गिरा दें, ठीक है, कम कर दें, तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे लेकिन एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, इंपोर्ट महंगा हो गया तो लोग इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे जब आप इंपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आपके फॉरेन एक्सचेंज बचेंगे, और एक्सपोर्ट कीजिएगा तो नहीं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज आपके पास आएंगी, जिससे बैलेंस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप करेक्ट कर सकते हैं। सेवेंथ वन इज इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में इन्होंने क्या बोला कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन रिफर्स टू द पर्सन्स हु अल्टीमेटली बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, द पर्सन हु अल्टीमेटली पेज द टैक्सेस। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो एक्चुअली टैक्स का बर्डन ले रहा है, बेसिकली जो एक्चुअली में टैक्सेस पे कर रहा है, ठीक है, उसे इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस इज ऑन द बायर और द सेलर डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस बायर के ऊपर है या सेलर के ऊपर आता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तय कर लेता है। उसी के बेसिस के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि बायर के ऊपर आ रहा है कि सेलर के ऊपर आ रहा है। सेलर ने अगर बहुत सारा सामान खरीद करके रखा है, टैक्स भर करके रखा है, लेकिन अगर सामान बिक नहीं रहा तो टैक्स सेलर के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन अगर बायर की बात करें, तुरंत बिक जाता है, तुरंत बायर खरीद लेता है, तो बायर के ऊपर आ जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ रहे हैं। अगला इन्होंने बोला, हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द मोर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ऑन सेलर। अगर डिमांड बहुत ज्यादा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ने घटने पर डिमांड बढ़ता घटता है, तो टैक्सेस जो है वो सेलर के ऊपर ज्यादा आ रहा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस सेलर के ऊपर ज्यादा है, लेकिन द मोर इन इलास्टिक डिमांड मोर बर्डन ऑन बायर्स। अगर वो डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, तो बर्डन किसके ऊपर वो ट्रांसफर हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, बायर के ऊपर। ये जो हमारा आखिरी इंपॉर्टेंस है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इसमें कहा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी इन एग्रीकल्चर, दैट इज बंपर क्रॉप्स ब्रिंग्स इन स्मॉलर इनकम टू फार्मर्स। मतलब अगर जरूरत से ज्यादा अगर पैदावार अच्छी हो गई तो इससे जो फार्मर्स है उनकी इनकम बहुत कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि अगर अबंडेंट हो गया, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो फार्मर को कंपैरेटिवली बहुत कम इनकम जनरेट होगी। तो दिस इज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। अ बंपर क्रॉप इंस्टेड ऑफ रेजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर रिड्यूसेस इट बिकॉज ऑफ इनइलास्टिक डिमांड,
फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसकी इनइलास्टिक डिमांड है, और इससे क्या होगा कि जो हमारे फार्मर भाई लोग हैं, जो किसान हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। दिस इज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, और इसका ये पैराडॉक्स है जहां पे अगर जरूरत से ज्यादा ही कोई चीज आ जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और लास्ट में कह रहे हैं, अब बंपर क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूसेस द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ड्रास्टिकली इन द व्यू ऑफ इनइलास्टिक डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स एंड देयर बाय रिड्यूसेस द इनकम ऑफ द फार्मर्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो फार्मर्स चीजें प्रोड्यूस करते हैं ना, वो पेरिशेबल नेचर की होती है। पेरिशेबल मतलब जो बहुत जल्दी खराब हो जाए, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर देते हैं और जो बहुत जल्दी खराब हो सकती है, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपकी पर यूनिट जो आपको रिकवरी रेवेन्यू जनरेट होगा वो कंपेरेटिवली बहुत कम होगा। तो इन्होंने बोला कि अगर बंपर प्रोडक्शन हो गया, इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो पैसा मिलेगा वो ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी। इन इलास्टिक का मतलब, अगर मैं एक दिन में एक पाव, अगर हम कोई अगर सब्जी परचेज करते हैं, मान लीजिए एक पाव आलू और प्याज यूज करते हैं, तो वो तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। डिमांड इसके कंपेरेटिव तो इन इलास्टिक हो गया, बढ़ेगा घटेगा थोड़ी। इससे जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। यहां पे भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि अगर सप्लाई बढ़ा दी जाए तो डिमांड तो कंपेरेटिवली इनइलास्टिक होगी या बहुत कम होगी, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो ये था इंपॉर्टेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल AU कॉमर्स स्कॉलर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कंसिडर किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी टू अ चेंजेस इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है और कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने के बाद जो एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मदद से मेजर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप अभी स्टूडेंट है और आपकी इनकम कुछ भी नहीं है, ठीक है, आने वाले समय में आपकी जॉब लगती है मान लीजिए 20,000 रुपए की, तो जब आपकी इनकम में चेंज आया तो जाहिर सी बात है कि आप क्वांटिटी डिमांडेड, जो भी चीज आप लेना चाह रहे थे, अपनी लाइफ में खरीदना चाह रहे थे इनिशियल लेवल पे, उसकी डिमांड आप बढ़ा देंगे। फिर 20,000 से आपकी सैलरी बढ़ करके 50,000 हो गई, ठीक है, आप कंज्यूमर है और आपकी सैलरी बढ़ गई, अब 50,000 रुपए हो गई, तो अब प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा कि नहीं डिमांड में? फिर आपकी सैलरी बढ़ करके 1,00,000 रुपए हो गई। तो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाएगी, उसी बेसिस पे डिमांड में भी चेंज आता रहेगा। तो इनकम के चेंज होने पे जब डिमांड में प्रोपोर्शनेटली चेंज आता है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू मेजर किया जाता है, उसी को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर किया जाता है। COVID-19 के वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, उनकी इनकम बहुत कम हो गई या न के बराबर इनकम हो गई। अब जब इंसान की इनकम ही नहीं है तो क्या डिमांड होगा? इसका मतलब जिस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली इनकम कम हुई, उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली डिमांड भी मार्केट में कम हो गई। तो इनकम के ऊपर जब डिमांड रिलाई करता है, डिपेंड करता है, उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर करते हैं। सिंपल वर्ड्स में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहां पे इन्होंने कुछ और भी बताया, जरा उसे भी समझते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब जब किसी कंज्यूमर की इनकम में जितना भी प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनेटली जितना बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी के प्रोपोर्शनेट अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ती या घटती है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। जी हाँ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो भी गुड्स है उसकी क्वांटिटी जो भी आप चेंज हो रही है, परसेंटेज चेंज आ रहा है, डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, जितना भी आपको परसेंटेज चेंज इन इनकम आया, इससे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें टोटल तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरा है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इनकम इलास्टिक, दूसरा है इनकम इन इलास्टिक, तीसरा है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इनको भी छोटे से एक टेबल के थ्रू स्टडी कर लेते हैं। हमारे सामने एक टेबल है और इस टेबल की मदद से हम इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला है वो है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है कि जब आपकी इनकम राइज करती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी राइज करती है, मतलब वो भी इंक्रीज करती है। जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, दिस इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसका डिस्क्रिप्शन में कहा जा रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, एग्जाम्पल नॉर्मल गुड्स। तो एग्जाम्पल में इन्होंने नॉर्मल गुड्स की बात कही है और इन्होंने ये कहा है कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, बेसिकली नॉर्मल गुड्स में होता है। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, मतलब जीरो से ज्यादा और वन से छोटा। तो इसमें इन्होंने बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस लेस देन इन प्रोपोर्शन टू इनकम इंक्रीजेस, दैट इज नेसेसिटीज। बेसिकली नेसेसिटीज गुड में कहा यह जा रहा है कि जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ती है, मतलब जो भी बढ़ रही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उसके अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ता, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। आप समझ रहे हैं कि आपकी इनकम मान लीजिए डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, चार गुना हो गई, लेकिन नेसेसिटीज जो भी आपकी नेसेसिटी की चीजें हैं वो उसके प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ती। जैसे सॉल्ट, मुझे मालूम है ये इंफीरियर प्रोडक्ट है लेकिन नेसेसिटी भी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, वो नेसेसिटी भी है। आपकी कितनी भी इनकम बढ़ जाए तो आप कितनी डिमांड उसकी बढ़ा दीजिएगा, आप कंपेरेटिवली उसके अकॉर्डिंग नेसेसिटीज की डिमांड नहीं बढ़ा सकती है क्योंकि उसका उतना कंजम्पशन नहीं है। तो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन में इन्होंने बोला कि जो भी क्वांटिटी राइज होगी वो इनकम जितना भी राइज होगा उसके प्रोपोर्शनेटली डिमांड कम ही राइज होगा। मतलब अगर आपकी इनकम 20% राइज हो रही है तो इसका डिमांड 2-5% राइज होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरा है ग्रेटर देन वन। अब ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है कि जितनी इनकम बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शनेट में उससे ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। इन्होंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस मोर देन इन प्रोपोर्शन टू इनकम इंक्रीजेस, दैट इज लग्जरीज। ठीक है, आपकी इनकम 20% बढ़ी लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है वो 50% बढ़ गया, तो दिस इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस मोर देन इन प्रोपोर्शन टू इनकम इंक्रीजेस, जितना इनकम इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शन में उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेटली अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है तो ये लग्जरी आइटम्स की डिमांड है और ये ग्रेटर देन वन की कैटेगरी में आता है। फिर तीसरा है यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब जितनी इनकम बढ़ी जिस प्रोपोर्शनेट में उतने ही प्रोपोर्शनेट में अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी तो यूनिटी है। इसमें कहा जा रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज इनकम राइज इन इनकम, तो जितना जिस प्रोपोर्शनेटली आपकी इनकम इंक्रीज होगी सेम प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। जैसे 10% इनकम बढ़ी, 10% आपने डिमांड बढ़ा दिया तो ये दोनों यूनिटरी हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, 10-10%, या 20% इनकम बढ़ी और 20% डिमांड बढ़ा दिया तो दिस इज यूनिटरी, बराबर ही बराबर बढ़ा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव के तीन पार्ट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कहा जा रहा है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आप जानते ही होंगे, लो क्वालिटी गुड्स जो बहुत सस्ते गुड्स होते हैं। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है, जब आपकी इनकम ना राइज करती है तो नेगेटिव वाले की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। मतलब बेसिकली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में इंफीरियर गुड्स की डिमांड फॉल कर जाती है।
जाहिर सी बात है, आज अगर आप 10,000 महीना कमा रहे हैं, जब 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे तो आप इंफीरियर गुड्स को छोड़ करके आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स की तरफ स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी बेसिकली इंफीरियर गुड्स में होता है। ठीक है, और इंफीरियर गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसे छोड़ देते हैं। लास्ट में जीरो जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड्स होते हैं ना, जैसे सॉल्ट की बात, सॉल्ट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, बहुत इनएक्सपेंसिव है, 20 रुपए किलो मिलता है और आप उसको जरूरत से ज्यादा कंज्यूम भी नहीं कर सकते ना। क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड एज इनकम इंक्रीजेस, तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, अगर आपकी इनकम बढ़ती भी है, आपकी इनकम चेंज भी होती है तो इसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। जैसे सॉल्ट हो गया आपका, शुगर हो गया, वैसे सॉल्ट कहते हैं ना, सॉल्ट खाने से क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डी गलने लग जाती है। एक्चुअली सॉल्ट को डाइजेस्ट करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और हमारी बॉडी कैल्शियम हमारे बोन्स से एक्सट्रैक्ट करके सॉल्ट को डाइजेस्ट कराता है। ठीक है, तो जब हमारे बॉडी का कैल्शियम जब खत्म होने लगेगा सॉल्ट के डाइजेशन के लिए, तो हमारी जाहिर से बात है जो बोन्स है बहुत वीक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्ट का कंजम्पशन नॉर्मल रखा जाता है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जरूरत से कम भी नहीं। जरूरत से कम होगा, आयोडीन की कमी से फिर बीमारी हो जाएगी, गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव, ग्रेटर, उसमें 3 पार्ट, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, यूनिटरी, नेगेटिव 0। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस टॉपिक के बाद एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है टाइप्स ऑफ ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कवर अप हो जाए फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज हम बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, समझेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके फॉर्मूले को स्टडी करने के साथ साथ टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी स्टडी करेंगे, जिसमें पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी With respect to the change in the price of its related commodity, कहने का मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के रिलेटेड कॉमोडिटी के प्राइस के घटने या बढ़ने के वजह से जो डिमांड में चेंज आता है एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के, उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मालूम है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी में सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने पे, ये रिलेटेड कॉमोडिटी है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने पे कार की डिमांड या मोटू व्हीलर की डिमांड जब फॉल कर जाती है तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब किसी रिलेटेड, अगर सिंपल वर्ड्स की बात करूं, जब किसी रिलेटेड गुड्स, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी है उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस जब बढ़ते या घटते हैं, जो भी चेंजेस आता है उसके वजह से जो पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ती या घटती है, उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। इन्होंने बोला क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ अनदर कॉमोडिटी वाई कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स कॉमोडिटी का है, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वाई की प्राइस में चेंज आ रहा है, इस वाई की प्राइस में चेंज आने की वजह से एक्स की डिमांड पे जो असर आ रहा है, उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसीडर करते हैं। फिर से बोले, वाई की अगर प्राइस बढ़ती है, ठीक है, और उससे एक्स के डिमांड पे जो भी असर पड़ता है, एक्स गुड के डिमांड पे जो भी असर पड़ता है, इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, मैथमेटिकली से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। सिंबॉलिकली इसे हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ईसी इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाई बाय
पी वाई डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। यहां एक्स और वाई गुड्स हैं, इन्होंने बोला वेयर ई सी इज इक्वल टू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यू एक्स इज इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स, डेल्टा क्यू एक्स इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, पी वाई इज इनिशियल प्राइस ऑफ गुड वाई, डेल्टा पी वाई इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। आप समझ रहे हैं? तो ये है फॉर्मूला। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब यह फॉर्मूला लिखें तो उसको एक्सप्लेन जरूर करें। आपको यह बताना पड़ेगा कि ईसी का मतलब क्या है, पी वाई का मतलब क्या है, पी एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा पी वाई का मतलब क्या है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके भी मार्क्स होते हैं। अब इसके थोड़े डिस्क्रिप्शन को स्टडी कर लेते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो। अब पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि प्राइस इंक्रीजेस ऑफ अ कॉमोडिटी वाई इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉमोडिटी एक्स। एक कॉमोडिटी है एक्स और एक कॉमोडिटी है वाई। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जब वाई की प्राइस बढ़ जाती है तो एक्स की डिमांड बढ़ जाती है, इसे हम पॉजिटिव कहते हैं। जब कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। इन्होंने बोला कि प्राइस इंक्रीजेस ऑफ अ कॉमोडिटी वाई डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉमोडिटी एक्स। जब वाई की प्राइस बढ़ जाएगी और उससे एक्स की डिमांड फॉल हो जाएगी तो दिस इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे दो गुड्स हैं, एक है एक्स है और एक है वाई। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कार इन पेट्रोल। तो पेट्रोल की प्राइस के बढ़ने के वजह से कार की डिमांड फॉल हो गई, दिस इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कार इन पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और क्या कहते हैं, ब्रेड इन बटर। तो ब्रेड की प्राइस या बटर की प्राइस बढ़ने से, बेसिकली बटर की प्राइस बढ़ने से ब्रेड की डिमांड फॉल हो जाती है, तो दिस इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब इन्होंने बोला अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई डज नॉट अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर कॉमोडिटी एक्स। एक्स या वाई एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है। वाई के प्राइस बढ़ने या घटने से एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, जैसे टी एंड टीवी सेट। तो चाय और टेलीविजन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो टेलीविजन के रेट बढ़ने से चाय को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाय के रेट बढ़ने या घटने से टेलीविजन सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज कॉल्ड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आने वाले टाइम में हम इसके बाद का चैप्टर शुरू करेंगे जो है सप्लाई, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कंसिडर किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी टू अ चेंजेस इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है और कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने के बाद जो एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मदद से मेजर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप अभी स्टूडेंट है और आपकी इनकम कुछ भी नहीं है, ठीक है, आने वाले समय में आपकी जॉब लगती है मान लीजिए 20,000 रुपए की, तो जब आपकी इनकम में चेंज आया तो जाहिर सी बात है कि आप क्वांटिटी डिमांडेड, जो भी चीज आप लेना चाह रहे थे, अपनी लाइफ में खरीदना चाह रहे थे इनिशियल लेवल पे, उसकी डिमांड आप बढ़ा देंगे। फिर 20,000 से आपकी सैलरी बढ़ करके 50,000 हो गई, ठीक है, आप कंज्यूमर है और आपकी सैलरी बढ़ गई, अब 50,000 रुपए हो गई, तो अब प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा कि नहीं डिमांड में। फिर आपकी सैलरी बढ़ करके 1,00,000 रुपए हो गई,
तो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाएगी उसी बेसिस पे डिमांड में भी चेंज आता रहेगा। तो इनकम के चेंज होने पे जब डिमांड में प्रोपोर्शनेटली चेंज आता है उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू मेजर किया जाता है, उसी को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर किया जाता है। COVID-19 के वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, उनकी इनकम बहुत कम हो गई या न के बराबर इनकम हो गई। अब जब इंसान की इनकम ही नहीं है तो क्या डिमांड होगा? इसका मतलब जिस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली इनकम कम हुई उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली डिमांड भी मार्केट में कम हो गई। तो इनकम के ऊपर जब डिमांड रिलाई करता है, डिपेंड करता है, उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर करते हैं। सिंपल वर्ड्स में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहां पे इन्होंने कुछ और भी बताया, जरा उसे भी समझते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब जब किसी कंज्यूमर की इनकम में जितना भी प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनेटली जितना बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी के प्रोपोर्शनेट अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ती या घटती है उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। जी हाँ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो भी गुड्स है उसकी क्वांटिटी जो भी आप चेंज हो रही है, परसेंटेज चेंज आ रहा है, डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, जितना भी आपको परसेंटेज चेंज इन इनकम आया इससे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें टोटल तीन तरीके के होते हैं, सबसे पहला पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इनकम इलास्टिक, दूसरा है इनकम इनइलास्टिक, तीसरा है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इनको भी छोटे से एक टेबल के थ्रू स्टडी कर लेते हैं। हमारे सामने एक टेबल है और इस टेबल की मदद से हम इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला है वो है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है कि जब आपकी इनकम राइज करती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड भी राइज करती है, मतलब वो भी इंक्रीज करती है। जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, दिस इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसका डिस्क्रिप्शन में कहा जा रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, एग्जाम्पल नॉर्मल गुड्स। तो एग्जाम्पल में इन्होंने नॉर्मल गुड्स की बात कही है और इन्होंने ये कहा है कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, बेसिकली नॉर्मल गुड्स में होता है। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, मतलब जीरो से ज्यादा और वन से छोटा। तो इसमें इन्होंने बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस लेस देन इन प्रोपोर्शन टू इनकम इंक्रीजेस, दैट इज नेसेसिटीज। बेसिकली नेसेसिटीज गुड में कहा यह जा रहा है कि जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ती है, मतलब जो भी बढ़ रही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उसके अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ता, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। आप समझ रहे हैं कि आपकी इनकम मान लीजिए डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, चार गुना हो गई, लेकिन नेसेसिटीज जो भी आपकी नेसेसिटी की चीजें हैं वो उसके प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ती। जैसे सॉल्ट, मुझे मालूम है ये इंफीरियर प्रोडक्ट है लेकिन नेसेसिटी भी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, वो नेसेसिटी भी है। आपकी कितनी भी इनकम बढ़ जाए तो आप कितनी डिमांड उसकी बढ़ा दीजिएगा, आप कंपेरेटिवली उसके अकॉर्डिंग नेसेसिटीज की डिमांड नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसका उतना कंजम्पशन नहीं है। तो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन में इन्होंने बोला कि जो भी क्वांटिटी राइज होगी वो इनकम जितना भी राइज होगा उसके प्रोपोर्शनेटली डिमांड कम ही राइज होगा। मतलब अगर आपकी इनकम 20% राइज हो रही है तो इसका डिमांड 2-5% राइज होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरा ग्रेटर देन वन, अब ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है कि जितनी इनकम बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शनेट में उससे ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। इन्होंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस मोर देन इन प्रोपोर्शन टू इनकम इंक्रीजेस, दैट इज लग्जरीज। ठीक है, आपकी इनकम
20% बढ़ी, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है वो 50% बढ़ गया, तो दिस इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस मोर देन इन प्रोपोर्शन टू इनकम इंक्रीजेस, जितना इनकम इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शन में उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेटली अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है तो ये लग्जरी आइटम्स की डिमांड है और ये ग्रेटर देन वन की कैटेगरी में आता है। फिर तीसरा है यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब जितनी इनकम बढ़ी जिस प्रोपोर्शनेट में उतने ही प्रोपोर्शनेट में अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी तो यूनिटी है। इसमें कहा जा रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज इनकम राइज इन इनकम, तो जितना जिस प्रोपोर्शनेटली आपकी इनकम इंक्रीज होगी सेम प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। जैसे 10% इनकम बढ़ी, 10% आपने डिमांड बढ़ा दिया, तो ये दोनों यूनिटरी हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, 10-10%, या 20% इनकम बढ़ी और 20% डिमांड बढ़ा दिया, तो दिस इज यूनिटरी, बराबर ही बराबर बढ़ा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव के तीन पार्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कहा जा रहा है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स आप जानते ही होंगे, लो क्वालिटी गुड्स जो बहुत सस्ते गुड्स होते हैं। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है, जब आपकी इनकम ना राइज करती है, तो नेगेटिव वाले की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। मतलब बेसिकली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में इन्फीरियर गुड्स की डिमांड फॉल कर जाती है। जाहिर सी बात है, आज अगर आप 10,000 महीना कमा रहे हैं, जब 1,00,000 रुपए महीना कमाएंगे तो आप इंफीरियर गुड्स को छोड़ करके आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स की तरफ स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी बेसिकली इंफीरियर गुड्स में होता है। ठीक है, और इंफीरियर गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसे छोड़ देते हैं। लास्ट में जीरो, जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। इसमें इन्होंने बोला कि ये जो इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड्स होते हैं ना, जैसे सॉल्ट की बात, सॉल्ट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, बहुत इनएक्सपेंसिव है, 20 रुपए किलो मिलता है और आप उसको जरूरत से ज्यादा कंज्यूम भी नहीं कर सकते ना। क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड एज इनकम इंक्रीजेस, तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज नहीं होगी। अगर आपकी इनकम बढ़ती भी है, आपकी इनकम चेंज भी होती है, तो इसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। जैसे सॉल्ट हो गया आपका, शुगर हो गया, वैसे सॉल्ट कहते हैं ना, सॉल्ट खाने से क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डी गलने लग जाती है। एक्चुअली सॉल्ट को डाइजेस्ट करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और हमारी बॉडी कैल्शियम हमारे बोन्स से एक्सट्रैक्ट करके सॉल्ट को डाइजेस्ट कराता है। ठीक है, तो जब हमारे बॉडी का कैल्शियम जब खत्म होने लगेगा सॉल्ट के डाइजेशन के लिए, तो हमारी जाहिर से बातें जो बोन्स है बहुत वीक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्ट का कंजम्पशन नॉर्मल रखा जाता है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जरूरत से कम भी नहीं। जरूरत से कम होगा, आयोडीन की कमी से फिर बीमारी हो जाएगी, गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव, ग्रेटर, उसमें तीन पार्ट, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, ग्रेटर देन वन यूनिटरी, नेगेटिव जीरो। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और इस टॉपिक के बाद एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कवर अप हो जाए फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, माय नेम इज साहिल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारे सामने टोटल 8 इंपॉर्टेंस है, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये 8 इंपॉर्टेंस इस प्रकार है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है बिजनेस डिसीजंस, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, बिजनेस के डिसीजंस को लेने में बहुत हेल्पफुल है। दूसरा, इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। चौथा है इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। पांचवा है इंपॉर्टेंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। छठा है चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। सातवा है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। और आखिरी है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। आइए इन 8 इंपॉर्टेंसेस को एक एक करके स्टडी करें।
जो हमारा पहला इंपॉर्टेंस है वो है बिजनेस डिसीजंस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही बेनिफिशियल है। कैसे? सबसे पहले इन्होंने पहला पॉइंट कवर किया है जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट बोला है कि जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस रिगार्डिंग प्राइसेस एंड आउटपुट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस ज्यादा होगा, जब प्राइस राइज करेगा तो डिमांड फॉल करेगा, और जब प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज करेगा। इस कॉन्सेप्ट की मदद से क्या किया जाता है कि हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं, ये चीज पता लगा सकते हैं कि किस प्राइस रेंज पे क्या आउटपुट हम प्रोड्यूस करें जो मार्केट में आसानी से बिक जाए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस के डिसीजंस में, क्योंकि किस प्राइस पे कितने आउटपुट को हम प्रोड्यूस करें जो मार्केट में बिक जाए। ठीक है, अगर प्राइस बहुत कम है तो हम आउटपुट ज्यादा लेकर के आएंगे, ठीक है, और प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तो कंपेरेटिवली हम कम आउटपुट लेकर के आएंगे और उसे उस हिसाब से बेचेंगे। तो इस वजह से ये हेल्पफुल है। दूसरा कह रहे हैं कि डिसाइडिंग वेदर टू इंक्रीज द प्राइस और नॉट, द फर्म शुड हैव एन आइडिया अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। कहा जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, ये फर्म को आइडिया लग जाता है। ठीक है, और ये भी आइडिया लग जाता है कि उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है, ये पूरा का पूरा आइडिया लग जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से। तो इससे बिजनेस अपना एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि राइजिंग प्राइस एडवाइज किया जाता है कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, इंक्रीज इन प्राइस विल रेज टोटल रेवेन्यू। इन्होंने कहा कि जो राइजिंग प्राइस है, जब प्राइस बढ़ रहा होता है ना, तो क्या एडवाइस दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट की डिमांड अगर वो इनइलास्टिक है, प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड इनइलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब बढ़ना घटना होता है, इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ा भी दीजिएगा तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो आगे इन्होंने बोला कि इंक्रीज इन प्राइस विल रेस टोटल रेवेन्यू। अगर प्राइस के बढ़ाने पे डिमांड आपका सेम है तो आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे टाटा नमक 18 रुपए किलो मिलता है, उसको अगर आप 20 रुपए किलो कर दीजिएगा तो डिमांड इज इन इलास्टिक, वो बढ़ेगा भी नहीं ना घटेगा, लेकिन आपका 2 रुपए से रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, आप समझ रहे हैं। अगला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मतलब जो पॉइंट है वो ये है कि राइजिंग प्राइस एडवाइजेबल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट इज लो, कंज्यूमर विल शिफ्ट द कंजम्पशन। अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस अगर कम हो गए, ठीक है, तो जो आपके कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं ना, वो स्विच कर जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स को छोड़ देंगे। इन्होंने बोला कि अगर प्राइस राइज कर रहा है, ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, तो एडवाइस ये दिया जा रहा है कि कृपया करके आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस कम हो गए, आपके प्राइसेस बढ़ गए और सब्स्टिट्यूट सस्ते में मिलना शुरू हो गया कंज्यूमर्स को, तो आपके कंज्यूमर्स स्विच कर जाएंगे। तो ये बिजनेस डिसीजंस लेने में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट। अब मोनोपोलिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इन्होंने कहा कि मोनोपोलिस्ट नॉर्मली परस्यूज द पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स। जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपनाते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय रेलवे है, आप इलाहाबाद में बैठिएगा, दिल्ली जाना आपने भी है मैंने भी है, आप राजधानी में एसी फर्स्ट में जा रहे हो, मैं भी इंडियन रेलवे की एक लोकल ट्रेन में दिल्ली तक जा रहा हूँ, लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन से दिल्ली तक जा रहा हूँ और जनरल डब्बे में बैठा हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस, आपको एसी दे देंगे, थोड़ा केबिन दे देंगे एसी फर्स्ट में, अच्छा खाना दे देंगे और आपसे उसी चीज का 3000 रुपीज चार्ज करेंगे। मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना एसी मिलेगा, लेकिन मैं भी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा 300 रुपीज में। आपसे कितना चार्ज किया सेम चीज के लिए 3000, मुझसे कितना चार्ज किया 300। दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ढाबे पे भी वही खाना मिलता है, क्वालिटी वही होता है, रेस्टोरेंट में भी वही खाना होता है, लेकिन प्राइस में बहुत अंतर क्यों आ जाता है? दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे आप रेस्टोरेंट में आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ढाबे पे इतना कोई देगा भी नहीं आपको। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो मोनोपोलिस्ट आप समझते हैं ना, जिसकी मोनोपोली होती है, सिंगल सेलर होता है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपनाते हैं और वो अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हैं
लगभग लगभग सेम चीज के लिए, गुड्स के लिए, ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स। दूसरा कहा जा रहा है कि जो मोनोपोलिस्ट विल चार्ज हायर प्राइसेस फ्रॉम दोज कंज्यूमर्स हु हैव इनइलास्टिक डिमांड एंड लोअर प्राइसेस फ्रॉम दोज कंज्यूमर्स हु हैव इलास्टिक डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड बाय देम। मोनोपोलिस्ट उन प्रोड्यूसर्स सॉरी उन कंज्यूमर्स से ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं जिनकी इनइलास्टिक डिमांड है, जिनकी डिमांड चेंज नहीं होती, और उन कंज्यूमर से वो कम प्राइसेस चार्ज करते हैं जिनकी डिमांड चेंज हो सकती है, जो उनकी प्रोडक्ट्स को स्विच कर सकते हैं। तो मोनोपोलिस्ट इस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो है डिटरमिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्राइसेस आप समझते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनके प्राइसेस को डिटरमाइन करने में बहुत ही हेल्पफुल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर प्राइसेस लाइक वेजेस। तो वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, उसके बेसिस के ऊपर आप वेजेस डिसाइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के समय कितना वेजेस देना चाहिए पर यूनिट के हिसाब से। तो ये चीज तय की जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला, द राइज इन वेजेस विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स एंड इट विल कॉज अ लार्ज डिक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली अ लार्ज डिक्रीज इन डिमांड फॉर वर्कर्स। इन्होंने बोला कि अगर हम वेजेस बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं उनको ज्यादा वेज मिलेगा तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो उसकी डिमांड मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। जितनी डिमांड है उससे ज्यादा अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया ना, तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, अब अबंडेंट हो गया, जरूरत से ज्यादा सप्लाई हो गई। अब जब डिमांड ज्यादा नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि पर यूनिट आपने ज्यादा वेजेस तो दिए लेकिन आपको पर यूनिट उस हिसाब से रिकवरी नहीं हुई। इससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में मार खा सकता है, खराब हो सकता है, हो सकता है कि आपकी कंपनी के ऊपर बहुत भारी एक लॉस आ जाए क्योंकि लोग नहीं प्रेफर करेंगे उसे खरीदना। तो यहां इन्होंने बोला कि द राइज इन वेजेस विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। अगर हम वेजेस बढ़ा देते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड इट विल कॉज अ लार्ज डिक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब इससे क्या होगा कि जब वर्कर्स को ज्यादा वेजेस मिलने लगेगा वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा लेकिन डिक्रीज हो जाएगी डिमांड मार्केट में, एंड कॉन्सिक्वेंटली अ लार्ज डिक्रीज इन डिमांड फॉर वर्कर्स, और वर्कर्स की भी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। पॉइंट नंबर फोर इज कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो फॉर्मुलेशन होती है ना, फॉर्म की जाती है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने सबसे पहला पॉइंट कहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, पर्टिकुलरली टैक्सेशन पॉलिसी, द गवर्नमेंट ऑफ ग्रांटिंग सब्सिडी टू द इंडस्ट्रीज, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज एक्सेट्रा। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली टैक्सेशन पॉलिसीज को, और साथ ही साथ जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है ना, सब्सिडी, जो सब्सिडी देती है गरीब लोगों के पास जब पैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट फाइनेंशियली जो हेल्प करती है दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो कहां कहां सब्सिडी देना है, और ये डिटरमाइन करना कि पब्लिक यूटिलिटीज के लिए क्या कीमत होनी चाहिए। जैसे पब्लिक यूटिलिटीज में जैसे हो गया आपका बस सेवा जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, उसकी क्या प्राइसेस होनी चाहिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगला है, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज इट्स रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन दोज प्रोडक्ट्स विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। गवर्नमेंट इनइलास्टिक डिमांड वाली चीजों पर टैक्सेस इम्पोज कर देती है और अपने रेवेन्यू को बढ़ा लेती है, अपने इनकम को बढ़ा लेती है, ठीक है। पॉइंट नंबर फाइव इज इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल ट्रेड में भी है, मतलब अगर आप दूसरे देश से कोई सामान खरीद रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे भी इंटरनेशनल ट्रेड का में बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे सबसे पहला इन्होंने पॉइंट कहा है, जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉन्सिक्वेंटली गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड in determining the effect of exports and thereby on the balance of payment. सबसे पहली बात में इन्होंने ये बात बोली है कि जो international trade है वहां पे जो concept है elasticity of demand का बहुत important है, क्योंकि elasticity of demand की मदद से हम ये determine कर सकते हैं कि export और import क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा impact पड़ेगा balance of payment पे। इसका बहुत importance है, ठीक है, in determining the terms of trade
ट्रेड के टर्म्स को डिटरमाइन करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को कॉन्सिक्वेंटली गेन करने के लिए इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड देयर बाय ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ताकि एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका अच्छा हो जाए। अगला है हमारा चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज समझते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, इंडिया का मतलब अमेरिका का एक डॉलर इंडिया के अभी 73 रुपीस के बराबर है, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। इसमें पहली बात बोली है कि रेट ऑफ एक्सचेंज रिफर्स टू द रेट एट विच अ यूनिट ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर करेंसीज ऑफ द अदर कंट्री। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश का एक यूनिट मतलब एक डॉलर, एग्जाम्पल के तौर पर यूएस डॉलर है ना, एक डॉलर इज इक्वल टू दूसरे देश की कितनी करेंसीज के बराबर है, तो इंडिया के 73 रुपीस के अप्रोक्स बराबर है। ये हर रोज बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा कि द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज कैन बी एक्सचेंज थ्रू डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज। जो रेट ऑफ एक्सचेंज है दो करेंसीज के बीच में, उसे बदला जा सकता है डिवैल्यूएशन करके या रिवैल्यूएशन करके। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपनी करेंसीज की वैल्यू ऑफिशियली हम खुद कम कर देते हैं, ठीक है, और रिवैल्यूएशन का मतलब हम अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। इससे क्या कर सकते हैं कि हम जो दो अलग अलग देश की करेंसीज है उनकी वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे करेंसी को एग्जाम्पल के तौर पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि 73 रुपीज के बराबर है, ये अगर गवर्नमेंट इसे कम करके और गिरा करके 80 के बराबर कर दे, तो दो करेंसी की वैल्यू में डिफरेंसिएशन तो आ जाएंगे ना। एक डॉलर अब कितने के रुपए के बराबर हो गया, 80 रुपीज के बराबर हो गया। तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है दो करेंसीज के बीच में, जो डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन की मदद से हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है डिवैल्यूएशन की और रिवैल्यूएशन की, उसे इस्तेमाल किया जाता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए, ठीक है। अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू अगर हम गिरा दें, ठीक है, कम कर दें, तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे लेकिन एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। इंपोर्ट महंगा हो गया तो लोग इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे जब आप इंपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आपके फॉरेन एक्सचेंज बचेंगे, और एक्सपोर्ट कीजिएगा तो नई फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज आपके पास आएंगी, जिससे बैलेंस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप करेक्ट कर सकते हैं। सेवेंथ वन इज इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में इन्होंने क्या बोला कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन रिफर्स टू द पर्सन हु अल्टीमेटली बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, द पर्सन हु अल्टीमेटली पेज द टैक्सेस। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो एक्चुअली टैक्स का बर्डन ले रहा है, बेसिकली जो एक्चुअली में टैक्सेस पे कर रहा है, ठीक है, उसे इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस इज ऑन द बायर और द सेलर डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस बायर के ऊपर है या सेलर के ऊपर आता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तय कर लेता है। उसी के बेसिस के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि बायर के ऊपर आ रहा है कि सेलर के ऊपर आ रहा है। सेलर ने अगर बहुत सारा सामान खरीद करके रखा है, टैक्स भर करके रखा है, लेकिन अगर सामान बिक नहीं रहा तो टैक्स सेलर के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन अगर बायर की बात करें, तुरंत बिक जाता है, तुरंत बायर खरीद लेता है, तो बायर के ऊपर आ जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ रहे हैं। अगला इन्होंने बोला, हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द मोर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ऑन सेलर। अगर डिमांड बहुत ज्यादा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ने घटने पर डिमांड बढ़ता घटता है, तो टैक्सेस जो है वो सेलर के ऊपर ज्यादा आ रहा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस सेलर के ऊपर ज्यादा है। लेकिन द मोर इन इलास्टिक डिमांड मोर बर्डन ऑन बायर्स। अगर वो डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, तो बर्डन किसके ऊपर वो ट्रांसफर हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, बायर के ऊपर। ये जो हमारा आखिरी इंपॉर्टेंस है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इसमें कहा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी इन एग्रीकल्चर, दैट इज बंपर क्रॉप्स ब्रिंग्स इन स्मॉलर इनकम टू फार्मर्स। मतलब अगर जरूरत से ज्यादा अगर पैदावार अच्छी हो गई तो इससे जो फार्मर्स है उनकी इनकम बहुत कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि अगर अबंडेंट हो गया, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो फार्मर को कंपैरेटिवली बहुत कम इनकम जनरेट होगी। तो दिस इज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। अ बंपर क्रॉप इंस्टेड ऑफ रेजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर रिड्यूसेस इट बिकॉज ऑफ इनइलास्टिक डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसकी इनइलास्टिक डिमांड है, और इससे क्या होगा कि जो हमारे फार्मर भाई लोग हैं, जो किसान हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। दिस इज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, और इसका ये पैराडॉक्स है जहां पे अगर जरूरत से ज्यादा ही कोई चीज आ जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी,
और लास्ट में कह रहे हैं अब बंपर क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूसेस द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ड्रास्टिकली इन द व्यू ऑफ इनइलास्टिक डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स एंड देयर बाय रिड्यूसेस द इनकम ऑफ द फार्मर्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो फार्मर्स चीजें प्रोड्यूस करते हैं ना वो पेरिशेबल नेचर की होती है। पेरिशेबल मतलब जो बहुत जल्दी खराब हो जाए, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर देते हैं और जो बहुत जल्दी खराब हो सकती है, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपकी पर यूनिट जो आपको रिकवरी रेवेन्यू जनरेट होगा वो कंपेरेटिवली बहुत कम होगा। तो इन्होंने बोला कि अगर बंपर प्रोडक्शन हो गया, इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो पैसा मिलेगा वो ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी। इन इलास्टिक का मतलब अगर मैं एक दिन में एक पाव, अगर हम कोई अगर सब्जी परचेज करते हैं, मान लीजिए एक पाव आलू और प्याज यूज करते हैं, तो वो तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। डिमांड इसके कंपेरेटिव तो इन इलास्टिक हो गया, बढ़ेगा घटेगा थोड़ी। इससे जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। यहां पे भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि अगर सप्लाई बढ़ा दी जाए तो डिमांड तो कंपेरेटिवली इनइलास्टिक होगी या बहुत कम होगी, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो ये था इंपॉर्टेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के हमारे पास 9 फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके स्टडी करेंगे हम। पहले जान लेते हैं 9 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दूसरा है नेचर ऑफ द कमोडिटी, तीसरा है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, चौथा है द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, पांचवा है टाइम फैक्टर, छठा है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, सातवां है प्राइस रेंज, आठवां है हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर और आखिरी हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आइए एक एक करके इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारा जो पहला फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब समझिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कि आप एक पर्टिकुलर गुड के जगह हम दूसरे पर्टिकुलर गुड को यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। जी हाँ दोस्तों, टी नहीं मिला तो आप क्या कंज्यूम कर सकते हैं, कॉफी। आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, पहाड़ी एरिया, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, आपको मन कर रहा है कुछ गर्म चाय वाय पीने का, चाय नहीं मिलेगा लेकिन कॉफी मिलेगा तो आप एडजस्ट कर लेंगे ना, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जहां पे टी नहीं मिला तो कॉफी से काम चल गया, कॉफी नहीं मिला तो टी से काम चल गया। जैसे दूसरा एग्जांपल कहा जाता है पेप्सी एंड कोक, राइट। पेप्सी नहीं मिला तो कोक से काम चल गया, कोक नहीं मिला तो पेप्सी से काम चल गया। तो दिस इज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो इन्होंने बोला कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट भी एक फैक्टर है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करने के लिए। जैसे इन्होंने बोला अ कमोडिटी विथ मोर एंड टू सब्स्टिट्यूट्स टेंड्स टू हैव एन इलास्टिक डिमांड एंड वन विथ अ फ्यू एंड वीक सब्स्टिट्यूट्स हैज एन इनइलास्टिक डिमांड। कहने का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे, जितने ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे उनकी उतनी ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगी, जितने कम सब्स्टिट्यूट्स होंगे, जितने ज्यादा वीक सब्स्टिट्यूट्स होंगे उनकी उतनी ज्यादा इनइलास्टिक डिमांड होगी। कहने का मतलब कोई भी एक कमोडिटी है, जैसे सोप साबुन, ठीक है, साबुन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं मिला तो आप दूसरे पे स्विच कर सकते हैं, दूसरे को यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसी कमोडिटी को आप ले लीजिए जिसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, न के बराबर है, तो आप क्या कीजिएगा, या वीक है, वीक सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब वो वीक पे आप जाइएगा ही नहीं, ठीक है, तो वहां पे डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है, आपकी मजबूरी बन जाती है उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदना। नेचर ऑफ कमोडिटी की बात इन्होंने की है कि द डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज इनइलास्टिक एंड द डिमांड फॉर लग्जरीज एंड कंफर्ट इज इलास्टिक। इन्होंने बोला कि बेसिक नेसेसिटी मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। मजबूरी है आपकी, आप सबसे पहले यही सारी चीजें अपनी इनकम से परचेज करते हैं। और लग्जरीज जैसे फर्नीचर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, कार हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं लग्जरीज होती हैं, कंफर्ट की चीजें होती हैं, इनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है कि
प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा ना तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगी। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज में प्राइस इंक्रीज होगा तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी डिमांड रहेगी रहेगी। भैया नेसेसिटीज में खाने पीने की चीजें होती हैं आप जानते हैं, तो खाने पीने की चीजें कितनी भी बढ़ जाए आपको तो खरीदना है ना, जिंदा रहने के लिए तो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है, प्राइस का इनकी डिमांड के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन लग्जरीज में थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ना तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं, फ्यूचर में हम खरीदेंगे जब प्राइस कम होगी या हमारी इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये था हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी। हमारा जो अगला फैक्टर है वो है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी इनकम होती है उसका जितना प्रोपोर्शन हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी में स्पेंड करते हैं उसका भी कुछ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा, द स्मॉलर द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कॉमोडिटी द स्मॉलर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। कहने का तात्पर्य ही ये है, कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारी इनकम होती है उसका जितना छोटा हिस्सा हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में खर्च करते हैं, अपनी इनकम का जितना छोटा हिस्सा 1% आधा परसेंट 2% अपनी इनकम का अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में हम खर्च करते हैं तो उतना ही उसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उतना ही कम होता है। जैसे 1% अपनी इनकम का हमने खर्च किया तो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी 1% इफेक्ट होगी, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन अगर हमारी इनकम का अगर हम बहुत ज्यादा हिस्सा अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में खर्च करते हैं, से हमारी इनकम का हम 80-85% किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में अगर खर्च कर देते हैं तो उसमें स्लाइटली भी अगर चेंज आता है ना, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसकी डिमांड खत्म कर देते हैं, नहीं भैया अभी नहीं खरीदेंगे, जब प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे। मोरल साधारण शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमारी इनकम का जितना छोटा हिस्सा हम किसी भी एक कॉमोडिटी में खर्च करते हैं, क्योंकि हमने बहुत छोटा प्रपोर्शन खर्च किया है तो जो भी चेंजेस आएगा वो बहुत अनइफेक्टेड होगा, वो इनइलास्टिक हो गया हमारे लिए एक हिसाब से, क्योंकि हम उसे खरीदेंगे खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में खर्च करने जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड पूरी तरीके से इलास्टिक हो जाएगा, हम खरीदना बंद कर देंगे, हम पोस्टपोन कर देंगे, हम बोलेंगे बाद में जब इसकी प्राइस कम होगी तब हम इसे परचेज करेंगे। तो ये हो गया प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। अगला, द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कॉमोडिटी। कोई भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी है उसके कितने ज्यादा यूज हैं, जैसे मिल्क होता है, मिल्क से आप मिल्क को भी यूज कर सकते हो, उसका कर्ड भी बना सकते हो, उसका घी भी बना सकते हो, उससे मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का कितना यूज करते हो इसकी बात कही गई है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कॉमोडिटी कैन बी पुट टू द ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी को जितना ज्यादा आप यूज कर सकते हो अलग अलग चीजों में उतना ज्यादा उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसको परचेज तो किया जाएगा लेकिन एकदम बहुत नेसेसरी चीजों के लिए यूज किया जाएगा, बाकी चीजों के लिए यूज नहीं किया जाएगा उसको। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जिन प्रोडक्ट्स के जितने ज्यादा यूजेस होते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कॉमोडिटी कैन बी पुट टू, एक कॉमोडिटी को जितना ज्यादा यूज में हम रख सकते हैं उतना ज्यादा उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, तो ये था अगला पॉइंट है हमारा। हमारा जो अगला फैक्टर है वो है टाइम फैक्टर, और टाइम फैक्टर में क्या कहा गया है जरा देखते हैं। इन्होंने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी इज जनरली लो फॉर शॉर्ट पीरियड एज कंपेयर टू द लॉन्ग पीरियड। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट पीरियड के लिए हमेशा जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है हमेशा लो रहती है और लॉन्ग पीरियड के लिए प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा हाई रहती है। मतलब दिस इज फॉर टू reasons. फर्स्टली इट टेक्स टाइम फॉर कंज्यूमर्स टू एडजस्ट their टेस्ट preferences एंड habits. शॉर्ट टर्म के लिए लोग एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लंबा समय चाहिए उनको, जैसे आप कहीं ट्रैवल पे निकले, ठीक है, घर के लिए अगर आपको कोई खाना खाना है तो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बात है तो आप पूरा अरेंजमेंट अपने हिसाब से करते हैं क्योंकि इट्स अ टाइम फैक्टर, लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन जब आप ट्रैवल पे निकले, टूर पे निकले, तो रास्ते में अगर कुछ भी मिलता है तो आप एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड में इलास्टिसिटी बहुत लो रहती है, लॉन्ग पीरियड में हमेशा हाई रहती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पहला रीजन यह है कि कंज्यूमर्स को टेस्ट प्रेफरेंस और हैबिट्स को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इन द लॉन्ग पीरियड कंज्यूमर्स में एडजस्ट देयर प्रेफरेंसेस एंड कंजम्पशन पैटर्न। दूसरा इन्होंने बोला, लंबे समय में नए नए सब्स्टिट्यूट्स डेवलप हो जाते हैं। लंबे समय लॉन्ग पीरियड में क्या है, नए नए सब्स्टिट्यूट्स आ गए तो फिर वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाती है। शॉर्ट टर्म में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपका तो आपको ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब
उस नए टेस्ट प्रेफरेंस, वो वन टाइम की ही बात है एडजस्ट करना, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर शॉर्ट पीरियड के लिए है तो आपकी इलास्टिसिटी बहुत लो है, नेसेसिटी बन गया है आपको, आपकी मजबूरी बन गई एक हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या हो गया, वो इलास्टिक हो गया, क्योंकि आपका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, आपके पास एक नया सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं, ठीक है। अगला है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का कंजम्पशन अगर हम पोस्टपोन कर दें, अगर उसकी पॉसिबिलिटी है तो उसके क्या असर पड़ेगा, जरा देखते हैं। इन्होंने कहा कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इलास्टिक इफ इट्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन। किसी भी एक प्रोडक्ट का अगर कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर देंगे तो उसका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा। द कंजम्पशन ऑफ क्लॉथिंग, एयर कंडीशन एंड फर्नीचर एक्सेट्रा, जैसे कपड़े का कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, एयर कंडीशन का, ये भी एक लग्जरी या कंफर्ट की चीज है, इसका भी कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, फर्नीचर भी हम बाद में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसका जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा इलास्टिक हो गया नेचर का, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन हम इनइलास्टिक होता है, जैसे फूड आइटम्स विच कैन नॉट बी पोस्टपोन, तो उनका जो डिमांड होता है हमेशा इनइलास्टिक होता है, आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो अगला फैक्टर है वो है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज के बारे में कहा जा रहा है कि डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी टेंड्स टू बी इनइलास्टिक एट वेरी हाई एंड वेरी लो प्राइसेस एंड इलास्टिक विद इन द मॉडरेट रेंज ऑफ प्राइसेस। कहने का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर प्राइस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो उसकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होती है। अगर बहुत ज्यादा है तो लग्जरी है, अमीर लोग खरीद सकते हैं, तो उनके लिए इन इलास्टिक है, पैसा है भैया खरीद लेंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर प्राइस बहुत कम है, जैसे मैच बॉक्स है, ठीक है, तो इसकी भी डिमांड इन इलास्टिक है, भैया प्राइस कितना बढ़ जाएगा, 2 रुपए का माचिस का डब्बा 3 रुपए का हो जाएगा, 4 रुपए का हो जाएगा, 5 रुपए का हो जाएगा, आप डबल से भी ज्यादा प्राइस बढ़ा दीजिएगा तो भी उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। तो इन्होंने बोला कि प्राइस रेंज में अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी बहुत महंगा है या बहुत ही सस्ता है तो वो इन इलास्टिक है, खरीदने वाला खरीदेगा, लेकिन अगर मॉडरेट है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आती है, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस बढ़ने या घटने पर डिमांड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगला फैक्टर है हमारा हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के हैबिट्स की बात की जा रही है, तो कंज्यूमर के हैबिट्स में बोला जा रहा है, इफ कंज्यूमर आर हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग सम कमोडिटीज लाइक सिगरेट, कॉफी एसेट्रा। आपने देखा होगा ना आजकल मॉडर्न लोग बहुत ज्यादा कॉफी कंज्यूम करते हैं, गांव के लोग चाय कंज्यूम करते हैं, नॉर्मली लोग बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप जितना ज्यादा मेट्रो पॉलिटिन सिटीज में जब आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि वहां के लोगों का एक रिसर्च के हिसाब से कहा गया है कि वो लोग कॉफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कॉफी चाय के कंपेरिजन महंगी मिलती है, ठीक है, तो वो लोग कॉफी कंज्यूम करते हैं और उनकी आदत हो जाती है, जिनकी चाय कंज्यूम करने की हैबिट है तो आप देखिए वो हैबिचुअल है, नहीं मिलेगा तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनके लिए भी है कि उनको नहीं मिलेगा तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये हैबिचुअल चीज है। इफ कंज्यूमर्स आर हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग सम कॉमोडिटीज लाइक सिगरेट, कॉफी, टी एसेट्रा, दे विल कंटिन्यू टू कंज्यूम दीज इवन एट हायर प्राइसेस। तो अगर सिगरेट की प्राइसेस कितनी भी बढ़ा दीजिए, दे विल कंज्यूम, कॉफी की प्राइसेस कितनी भी बढ़ा दीजिए, दे विल कंज्यूम, चाय कितना भी महंगा कर दीजिए, दे विल कंज्यूम, ठीक है। तो हैबिट ऑफ द कंज्यूमर भी इफेक्ट करता है किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। जो आखिरी हमारा फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या कहा है, नॉर्मली रिच कंज्यूमर्स हैव इन इलास्टिक डिमांड। जो रिच कंज्यूमर होते हैं उनकी जो डिमांड होती है इन इलास्टिक होती है, एंड इट इज सो बिकॉज राइज एंड फॉल इन द प्राइस विल नॉट मच अफेक्ट देयर पॉकेट। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है ये उनके पॉकेट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत रिच हैं, यू आर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, तो किसी आप क्या चीज कितनी भी महंगी हो जाए आप खरीद सकते हो। आप अपर मिडिल क्लास में आते हो या आप एलीट क्लास में आते हो, आपकी इनकम लाखों में है महीने की, ठीक है, तो हार्डली अफेक्ट करता है। कोई भी चीज की आप डिमांड करोगे उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक रहेगी, क्योंकि आप बड़े रिच हो। ऑन द अदर हैंड अगर मिडिल क्लास की बात करें या पुअर पीपल की बात करें, भारत की जो जनसंख्या है उसमें 70% से ज्यादा लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो बहुत इफेक्ट होता है। थोड़ी सी प्राइस बढ़ने का मतलब है बहुत ज्यादा डिमांड पे असर पड़ना। आज भी भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो पुअर पीपल को भी जनरली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा इलास्टिक है, एज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी विल मच अफेक्ट देयर बजट। तो अमीर लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास और पुअर पीपल के लिए अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है या घटता है तो डिमांड के ऊपर बहुत भयंकर असर पड़ता है।
आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 9 फैक्टर्स जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो पॉइंट मेथड है या ज्योमेट्रिक मेथड है, आज हम उसे स्टडी करने वाले हैं। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। सो हमारा टॉपिक है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। में सबसे पहली बात कही गई है कि ज्योमेट्रिक मेथड वॉज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मार्शल एंड इज यूज टू मेजर द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। जी हाँ दोस्तों, जो पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड है, इसे प्रोफेसर मार्शल ने सजेस्ट किया था और ये सजेशन जो मिला था वो इसलिए मिला था कि जो डिमांड कर्व है वो उस डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ग्राफ बनाकर के समझाने की कोशिश करता हूं। ये माउस से बनाया जा रहा है इसलिए टेढ़ी लाइनें हैं, तो भावनाओं को समझिएगा। ये है हमारा वाई एक्सिस जो हमेशा प्राइस होता है ना, और ये है हमारा एक्स एक्सिस जो हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड होता है। ठीक, अब डिमांड कर्व बनता है कुछ इस प्रकार से। अब प्रोफेसर मार्शल ने सजेस्ट किया ज्योमेट्रिक मेथड जिसमें इस पॉइंट पे हम किसी भी पॉइंट, ये जो डिमांड कर्व बना ना हमारा नेगेटिव स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है हमारा, इसमें किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये एक मैंने पॉइंट बना दिया, तो हम इस पॉइंट पे हम या किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मेथड की मदद से। ठीक है, तो मतलब जो डिमांड कर्व बनता है उसमें किसी भी एक पॉइंट को जब हम मेजर करते हैं तो ज्योमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। ठीक है, और ये सजेस्ट किया था किसने, प्रोफेसर मार्शल ने। दूसरी बात कही गई है, व्हेन देयर आर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड देन ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज। इन्होंने कहा कि जब प्राइस में, आपको मालूम है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लॉ क्या है, कि जब प्राइस बढ़ता है डिमांड फॉल करता है, जब प्राइस फॉल करता है डिमांड राइज करता है। इन्होंने बोला कि अगर प्राइस में इनफाइनाइट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है डिमांड में भी इनफाइनाइट चेंजेस होने तय हैं। तो उस मूवमेंट पे जब आप किसी पॉइंट को मेजर करते हैं तो आप ज्योमेट्रिक मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए, इन मेजरमेंट्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा, when there are infinitely small changes, finite मतलब which can be countable, infinite मतलब which cannot be countable, मतलब बहुत सारे changes आ रहे हैं, तो when there are infinitely small changes in price and demand, then the geometric method is used. तीसरा कह रहे हैं, this method is also known as graphic method or point method. जी हाँ दोस्तों, इसका और एक नामकरण किया हुआ है, graphic method भी कहा जाता है और point method भी हम कंसिडर करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड को, या एक और नाम है, वाह, आर्क मेथड। ठीक है, तीसरा भी नाम मिला हुआ है, इसको आर्क मेथड भी कंसिडर किया जाता है। आर्क मेथड की थोड़ी स्टडी अलग होती है पॉइंट मेथड के कंपैरिजन, वो हम अभी करेंगे समझेंगे, और ऑलरेडी हम शायद पॉइंट मेथड और आर्क मेथड को स्टडी कर चुके हैं अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, लेकिन इसको भी हम अभी देखेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, इन्होंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो जो हमारा डिमांड कर्व है ना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा डिमांड कर्व, तो इन्होंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग हो गया, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग हो गया, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी, तो कोई भी अलग अलग पॉइंट आप एक डिमांड कर्व की स्ट्रेट लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं ना, तो उन सबका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग होगा अलग पॉइंट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला, इन ऑर्डर टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व फ्रॉम दैट पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो इन्होंने बोला कि ज्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि लोअर को हम अपर से डिवाइड कर देते हैं। नीचे आप यहाँ पे ग्राफ के बगल में एक फॉर्मूला देख सकते हैं जहां पे इलास्टिसिटी एट पॉइंट एन बोला है, जहां पे लोअर सेगमेंट को डिवाइड किया गया अपर सेगमेंट से। ठीक है, तो जब हम
ज्योमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस हिसाब से किया जाता है। अगला इन्होंने फॉर्मूला भी बता रखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व दैट इज एलएस डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व दैट इज यूएस। यूएस इज अपर सेगमेंट, एलएस इज लोअर सेगमेंट, ठीक है। इन्होंने आगे बताया कि एज सीन इन फिगर 4.1 इलास्टिसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट एन इज कैलकुलेटेड एज एन क्यू डिवाइडेड बाय एन पी। एन क्यू बोले तो ये आप देख सकते हैं ग्राफ में, डिमांड का जो कर स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, एन क्यू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय एन पी अपर सेगमेंट। वाई एक्सिस पे प्राइस ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। प्लीज कभी ये गलती से भी मत भूलिएगा ये चीजें लिखना, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, ठीक है। और पॉइंट जो भी होता है ना उसको नाम जरूर दीजिएगा, जैसे वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है इसको पॉइंट पी कहा गया है, सेंटर में जो पॉइंट है एन कहा गया है, और एक्स एक्सिस के पॉइंट को क्यू कंसिडर किया गया है। फॉर्मूला भी लिखना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है नंबर गेन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे इन्होंने क्या कहा है कि सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज शोन इन फिगर 4.2। तो 4.2 में इन्होंने अलग अलग पॉइंट, एक पॉइंट वाई पे, सॉरी वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसे ई कंसिडर किया है, एक सेंटर में है जिसे बी कंसिडर किया गया है, ई और बी के सेंटर में ए है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे वो डी है, बी और सी के बीच में, सॉरी बी और डी के बीच में सी है। तो ये अलग अलग ज्योमेट्रिक मेथड में कंसिडर किया गया है। जो वाई एक्सिस पे होता है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होता है, जो सेंटर में होता है वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी होता है, सेंटर और वाई एक्सिस के बीच वाला एकदम उसके जो एकदम बीच में होता है उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन होता है, एक्स एक्सिस वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर सेंटर और एक्स एक्सिस के बीच वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। अब इन पांचों को स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक में क्या बोला, यूनिटरी इलास्टिक में बोला एट द मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व दैट इज एट पॉइंट बी, ये आप देख सकते हैं ना पॉइंट बी, और ये हमारे डिमांड कर्व का एकदम सेंटर है, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। देखिए ना ईडी इज इक्वल टू वन है, यूनिटरी बोले तो वन, ठीक है। द लोअर एंड द अपर सेगमेंट दैट इज बी डी एंड बी आर एग्जैक्टली इक्वल, तो बी डी और बी ई दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो वन ही आएगा, तो ये दोनों बराबर है। दस इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय बी ई इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगला इन्होंने बोला हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक बोले तो क्या है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड में चेंजेस आते हैं। जैसे इन्होंने बोला एट एवरी पॉइंट अबव द मिड पॉइंट बी, मिड पॉइंट बी के ऊपर कोई भी पॉइंट है, अबव ऑफ द होगा ऑफ द मिड पॉइंट बी बट बिलो ई, तो ई जो है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है। ई के नीचे बी के ऊपर कोई भी पॉइंट है बिटवीन ई एंड बी द इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा वन से ज्यादा होगा। तो आप ये देख सकते हैं ना किसी भी पॉइंट पे ईडी इज ग्रेटर देन वन, तो ईडी है वो वन से ज्यादा है। इट हैपेंस बिकॉज लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोअर सेगमेंट जो है वो अपर सेगमेंट से बड़ा है। So, ED at point A is equal to LS divided by US, that is equal to AD divided by AE, which is greater than 1, as AD is greater than AE. So, AD is greater, ये देख रहे हैं आप, AD, lower segment is greater than AE, upper segment. तो यहाँ पे highly elastic है, इसलिए elasticity of demand is greater than 1, यहाँ पे consider किया गया है। थर्ड वन इज लेस इलास्टिक डिमांड। अब लेस इलास्टिक डिमांड में क्या बोला गया है, अब लेस इलास्टिक डिमांड कहाँ होता है, एट एवरी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट बी बट अबव डी, तो डी जो है वो एक्स एक्सिस पे है, बी जो है वो मिड पॉइंट है जहां यूनिटरी इलास्टिक है, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट मतलब बिटवीन बी एंड डी द इलास्टिसिटी विल बी लेस देन वन, तो हमेशा इलास्टिसिटी लेस देन वन होगा। जैसे इन्होंने पॉइंट सी लिया है तो ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन कंसिडर किया गया है, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एल एस डिवाइडेड बाई यूएस, एल एस का मतलब लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई यूएस। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, एल एस दैट इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट जो है सी डी कितना छोटा सा है, लोअर सेगमेंट इज स्मॉल, अपर सेगमेंट
सीई कितना बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। तो आप ऐसे ग्राफ बना करके मेजर कर सकते हैं कि किस जगह पे कहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा छोटा या इनफाइनाइट है या जीरो है, कुछ भी है, ठीक है। तो ईडी इज लेस देन वन यहाँ पे कंसिडर किया गया है, दैट इज लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्राइस के बढ़ने का। अगला कह रहे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इन्होंने बोला एट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में ये एनी पॉइंट दिख रहा है आपको ई, ठीक। एट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस लाइक पॉइंट ई इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइटली बिकॉज एट दिस पॉइंट देर इज नो अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि इसके ऊपर कोई अपर सेगमेंट डिमांड कर्व का है नहीं, लोअर सेगमेंट ही है पूरा का पूरा। सो ईडी एट पॉइंट ई इज इक्वल टू एल एस डिवाइडेड बाई यूएस लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, दैट इज ED डिवाइडेड बाई जीरो, तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। किसी भी नंबर को मैथ्स में ना, किसी भी नंबर को जब आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर इनफाइनाइट आता है या इन्फिनिटी हम कंसिडर करते हैं। एज एनी नंबर वेन डिवाइडेड बाई जीरो गिव्स इनफिनिटी, ठीक है। तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और जो हमारा आखिरी है, लास्ट है, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या बोला है कि एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पॉइंट डी है, ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, ठीक है, लाइक पॉइंट डी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज एट दिस पॉइंट देर इज नो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। सो ईडी एट दिस पॉइंट दैट इज एल एस डिवाइडेड बाई यूएस दैट इज जीरो डिवाइडेड बाई ईडी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए, आंसर जीरो आएगा, मतलब जीरो डिवाइडेड बाय वन जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय थ्री जीरो, ठीक है। एज जीरो व्हेन डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स जीरो, तो ये एक्स एक्सिस पे जीरो, ई एक्सिस वाई एक्सिस पे इंफिनिटी, सेंटर में वन, उसके बाद इंफिनिटी और वन से बड़ा ही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दोनों के बीच में, वन और जीरो से छोटा ही होगा हमेशा, तो ये सी होगा, ठीक। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा ये पांचों चीज। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक शेयर कमेंट बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें हम ऑलरेडी परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड हम कवर कर चुके हैं, जो दूसरा मेथड है हमारा जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कंसीडर करते हैं या टोटल आउटले मेथड कंसीडर करते हैं, जिसकी मदद से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे, आज हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये है कि वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सजेस्टेड बाय मार्शल इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का एक मेथड प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, जिसका नाम था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ, ये जो हमारा टॉपिक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसकी मदद से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, उसको मेजर करने का जो मेथड बताया था वो प्रोफेसर मार्शल ने बताया था। दूसरी बात कही गई है कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड ऑन द परचेज ऑफ अ कॉमोडिटी। कहने का मतलब, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी को जब परचेज किया जाता है एक हाउसहोल्ड द्वारा, तो उसमें जो भी टोटल खर्चा आता है उसे हम टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले कंसिडर करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड ऑन द परचेज ऑफ अ कॉमोडिटी। किसी भी एक कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए जब हाउसहोल्ड जो भी टोटल खर्चा करता है तो उसे टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले कंसिडर किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, फॉर्मूले से समझते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी को जो हम डिमांड करते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर टी ई इज टोटल एक्सपेंडिचर, पी इज प्राइस एंड क्यू इज क्वांटिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ क्यों नहीं रहा है भाई, अरे भाई बढ़ो।
चेंज हो गया। यहां पे इन्होंने एक डेफिनेशन दी है और डेफिनेशन में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ कॉमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। देखिए यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जब प्राइस चेंज होती है तो प्राइस चेंज होने से हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी चेंज होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर चेंज हो गया। प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगा, हम ज्यादा खरीदेंगे तो भी यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हमारा चेंज हुआ। तो इन्होंने बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जब उसकी प्राइस में चेंज आया। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन कैटेगराइज थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज, पहला इलास्टिक डिमांड, दूसरा इन इलास्टिक डिमांड, तीसरा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आइए तीनों को एक एक करके स्टडी करते हैं ग्राफ की मदद से। सबसे पहली बात बोली गई है इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड में बोला जा रहा है ईडी इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, इलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं, जहां पे ईडी इज ग्रेटर देन वन या ईपी इज ग्रेटर देन वन। तो यहां पे जो इसका डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर एंड अ राइज इन द प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन आप देख सकते हैं, इसे हम इलास्टिक डिमांड कंसीडर कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जब प्राइस फॉल होती है उससे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस फॉल हुई, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो टोटल खर्चा बढ़ जाएगा। और वाइस वर्सा इन्होंने बोला कि राइज इन द प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। तो ये वो कंडीशन है जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन से ज्यादा है। एग्जाम्पल देखते हैं, जब ₹2 का कोई कॉमोडिटी बिक सॉरी जब ₹20 की कोई कॉमोडिटी बिक रही थी तो हम 10 यूनिट उसे डिमांड कर रहे थे। यहाँ पे पेन का एग्जांपल है, तो जब ₹20 का पेन था तो 10 यूनिट हमने डिमांड किया तो ₹200 खर्चा आया। जब वही पेन हमारा ₹10 का हो गया तो हमने 30 पेन्स डिमांड कर लिया क्योंकि प्राइस फॉल हुई तो डिमांड राइज करेगी, तो हमारा टोटल खर्चा कितना बढ़ गया, कितना ज्यादा बढ़ गया आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन और यहाँ पे हमारा खर्चा बढ़ रहा है। इसी चीज को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। हमेशा ध्यान दीजिएगा वाई एक्सिस में हमेशा प्राइस की बात की जाती है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांड की बात की जाती है। तो आप देख सकते हैं ₹10 में हम 30 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं और ₹20 में हम 10 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, डिमांड की ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये है क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। ठीक, अब इन इलास्टिक डिमांड की बात कर लेते हैं। इन इलास्टिक डिमांड में जो फॉर्मूला बोला गया है वो ईडी इज लेस देन वन बोला गया है या ईपी इज लेस देन वन, आप इसे ईडी ईपी कुछ भी बोल सकते हैं, आपको मालूम है दोनों सेम ही होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही डिनोट किया जाता है। आगे इन्होंने बोला कि व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर एंड अ राइज इन इट्स प्राइस इंक्रीजेस द टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन वन। मतलब इन्होंने बोला कि जब एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जब प्राइस फॉल होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होता है और जब प्राइस इंक्रीज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन हम कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जब पेन का प्राइस ₹5 था तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 60 यूनिट्स, कितना खर्चा आ रहा था 300। अब प्राइस फॉल हो गई ₹5 से ₹2 हो गई तो हमने डिमांड ₹100 कर दी, 100 क्वांटिटी कर दिया, तो भी हमारा खर्चा कम है पिछली बार की कंपैरिजन। तो दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज लेस देन वन। सेम चीज को हम ग्राफ में हम दिखा सकते हैं। आप जानते हैं वाई एक्सिस में हमारा प्राइस होता है, एक्स एक्सिस में हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होता है। जब ₹5 था
तो हम 60 यूनिट डिमांड कर रहे थे, ठीक है। जब 2 रुपए हो गया तो हमारा डिमांड बढ़कर के 100 यूनिट्स हो गया, तो इसे बोलेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज लेस देन 1, इन इलास्टिक डिमांड। लास्ट में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पे ED इज इक्वल टू 1 या EP इज इक्वल टू 1, इन्होंने बोला व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 या यूनिटरी। इन्होंने बोला कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, प्राइस के चेंज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसे हम यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। एग्जांपल, जब 10 रुपए का पेन था, 30 यूनिट्स हम डिमांड कर रहे थे, टोटल 300 रुपए का खर्चा। जब पेन की प्राइस फॉल कर गई तो डिमांड राइज हो गया, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ग्राफ की मदद से समझते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। जब 10 रुपए का था तो हम कितना डिमांड कर रहे थे, 30 यूनिट्स। जब 5 रुपए का हो गया कितना डिमांड करने लगे, 60 यूनिट्स। डिमांड का लाइन ऐसे हमारा स्लोप बनेगा, ठीक है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होते हैं, उनमें जो 3 अलग अलग इलास्टिसिटी को जो कैटेगराइज किया है, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, उसे हम पॉइंट मेथड, जिसे हम ज्योमेट्रिक मेथड कंसिडर करते हैं, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, वो परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। रीजन ये है कि परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड हमें एग्जैक्ट आंसर बताता है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं और इसे समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड by the ratio of percentage change in the quantity demanded to a percentage change in the price of the commodity। जी हाँ दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जो भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहे हैं उसका परसेंटेज और जो भी प्राइस में चेंज आ रहा है उसका परसेंटेज, इन दोनों का हम रेशियो जब निकालते हैं और इस रेशियो की मदद से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर किया जाता है बाय द रेशियो मतलब रेशियो की मदद से ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड होता है, टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और परसेंटेज चेंज, ध्यान देने वाली बात यह है कि परसेंटेज चेंज की बात की जा रही है और इनके रेशियो की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि द एडवांटेज ऑफ परसेंटेज मेथड टू मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट इट गिव्स अ प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट मेजर ऑफ द इलास्टिसिटी। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है परसेंटेज मेथड का, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, वो ये है कि ये जो भी हम मेजर करते हैं ना इलास्टिसिटी, उसका एग्जैक्ट और प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड का, कि जो भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें मिल जाता है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि लार्जर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स दैट द डिमांड इज मोर सेंसिटिव टू अ चेंज इन प्राइस, स्मॉलर वैल्यू इंडिकेट्स डिमांड इज लेस सेंसिटिव। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम मेजर करते हैं तो उसमें अगर बड़ा चेंज आ रहा है, वो ये शो कर रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब जो डिमांड है वो प्राइस के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लार्जर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है कि थोड़े से प्राइस चेंज होने में बहुत ज्यादा डिमांड में अंतर आ सकता है, और स्मॉलर वैल्यू इंडिकेट्स डिमांड इज लेस सेंसिटिव। जो स्मॉलर वैल्यू है वो ये इंडिकेट करेगा कि जो डिमांड है वो कम सेंसिटिव है, ठीक है। मतलब प्राइस के चेंज होने पर डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते। अब इसे एक एग्जांपल की मदद से, एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। आइए क्वेश्चन की मदद से हम इसे इवैल्यूएट करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये बुक का क्वेश्चन है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और
स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आप अपने बुक में इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, और इवन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ एग्जाम में, तो आइए इसी क्वेश्चन को समझते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो कहा जा रहा है कि कंसिडर द डिमांड फॉर अ गुड, ठीक हम एक गुड की बात कर रहे हैं, एट अ प्राइस 4, द डिमांड फॉर द गुड इज 25 यूनिट्स। 4 रुपए का कोई एक गुड है, जब 4 रुपए में उसकी कीमत है तो 25 यूनिट बेचा जा रहा है। सपोज जो गुड्स की प्राइस है वो इंक्रीज हो गई 5 रुपए, तो 4 रुपए से बढ़ करके कितना हो गया 5 रुपए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो डिमांड है गुड की वो फॉल हो गई 20 यूनिट्स। आपको मालूम है लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड फॉल करता है, और जब प्राइस फॉल करती है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो एक कॉन्स्टेंट, एक निर्धारित प्राइस पे डिमांड थी 25 यूनिट्स, 4 रुपीज पे 25 यूनिट्स। अब प्राइस आपने इंक्रीज कर दी तो जाहिर सी बात है डिमांड फॉल करेगा। अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसी फॉर्मूले से हम पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है। हमारे सामने 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन इस जगह पे जो फॉर्मूला काम करेगा वो ऊपर वाला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला है। नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो सप्लाई का है। सप्लाई वाला फॉर्मूला इसलिए दिया है क्योंकि ऊपर जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आता है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड आता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। हमारा जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए है वो ऊपर वाला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज डेल्टा पी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं कि ओरिजिनल क्वांटिटी थी 25 यूनिट्स, ओरिजिनल प्राइस था 4 रुपीज, प्राइस 1 रुपए बढ़ गया और उससे क्वांटिटी 5 यूनिट्स माइनस हो गई, रिड्यूस हो गई, फॉल हो गई, ठीक है। अब न्यू प्राइस क्या है 5 रुपीज और न्यू क्वांटिटी क्या है 20 यूनिट्स, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला इन्होंने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, क्यू का मतलब क्वांटिटी होता है, तो डेल्टा क्वांटिटी चेंज मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इसे जब हमने सॉल्व किया तो आया -0.8, नेगेटिव में, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -0.8, डिमांड इज लेस देन इलास्टिक एज ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो 0.8 इज लेस देन 1, ठीक है। तो जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है क्योंकि 1 से कम आया, 1 से ज्यादा होता तो मोर इलास्टिक होता। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब जहां इनवर्स रिलेशनशिप वही लॉ है वो हो गया हमारा, जहां प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी फॉल करेगा, जब प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज करेगा, ठीक है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में किया गया है, ग्राफ की मदद से उसे डिटेल में स्टडी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ की मदद से इसकी समरी समझी थी, इस वीडियो लेक्चर में हम इसे डिटेल में कवर करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल गया नया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंसिडर किया जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, दोनों सेम चीजें ही हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कहा जा रहा है, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कैन बी इलास्टिक और इनइलास्टिक। किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इलास्टिक हो सकती है या इनइलास्टिक हो सकती है। इलास्टिक का मतलब बढ़े और घटे, मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाए और कम हो जाए। इनइलास्टिक का मतलब डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ चेंज इन द डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ये,
प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का प्राइस किस वे में चेंज हो रहा है, उसके कंपैरेटिव कितना डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल करता है, और जब प्राइस फॉल करता है तो डिमांड बढ़ता है। तो जब भी ये किसी प्रोडक्ट में इस तरीके के चेंजेस आते हैं, प्राइस के बढ़ने पे कितना डिमांड चेंज हो गया, प्राइस के कम होने पे कितना डिमांड चेंज हो गया, प्रभावित हुआ, वहीं से हम इसे स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बोला, इलास्टिक डिमांड इज द वन व्हेन द रिस्पांस ऑफ डिमांड इज ग्रेटर विद अ स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। ठीक है, इलास्टिक डिमांड उसे कहते हैं जब, इन्होंने बोला कि जब प्राइस हल्का सा चेंज होने की वजह से डिमांड ज्यादा चेंज हो जाए तो वो इलास्टिक हो गया। इलास्टिक डिमांड इज द वन व्हेन द रिस्पांस ऑफ डिमांड इज ग्रेटर विद अ स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। प्राइस में हल्का सा चेंज आया लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गया, इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक, ऑन द अदर हैंड, इन इलास्टिक डिमांड इज द वन व्हेन देयर इज रिलेटिवली अ लेस चेंज इन द डिमांड विद अ ग्रेटर चेंज इन द प्राइस। मतलब इन इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होता है जहां पे प्राइस ज्यादा चेंज हो गया लेकिन डिमांड में कंपैरेटिवली ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब प्राइस एग्जांपल के तौर पे जैसे नेसेसिटी कमोडिटीज होती है ना, जैसे सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो सॉल्ट का तो कंजम्पशन हमारा लिमिटेड है ना, अगर प्राइस ज्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हम स्लाइटली उसकी डिमांड कम कर देंगे, हम उसका वेस्टेज कम कर देंगे। ठीक है, जो हम अलग जगह से एडिशनल जहां पे हम सॉल्ट का यूज करते हैं उसे हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो इन इलास्टिक डिमांड का मतलब यही हुआ ना कि जब प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो गया, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो डिमांड कंपैरेटिवली डिमांड के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा, डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो ऑन द अदर हैंड, इन इलास्टिक डिमांड इज द वन व्हेन देयर इज रिलेटिवली अ लेस चेंज इन द डिमांड विद अ ग्रेटर चेंज इन द प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसे हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंसीडर करते हैं, और ये टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तीसरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, चौथा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, पांचवा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी पे होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो गया, रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, रिलेटिवली इन इलास्टिक में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, यूनिटरी इलास्टिक में इज इक्वल टू वन। ठीक है, आइए इन सबको एक एक करके स्टडी करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बारे में कहा जाता है कि व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कॉजेस अ मेजर चेंज इन इट्स डिमांड, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से अगर उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, तो इसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एक बार और, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा और उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। आगे इन्होंने कहा, इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अ स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड टू जीरो व्हाइल अ स्मॉल फॉल इन प्राइस कॉजेस इंक्रीज इन डिमांड टू इंफिनिटी। मतलब आप समझ रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में थोड़ा सा प्राइस फॉल करेगा, अच्छा थोड़ा सा प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड इन्फिनिटी तक, आप बता नहीं सकते इतनी डिमांड बढ़ गई, लेकिन अगर थोड़ा सा प्राइस राइज करेगा तो डिमांड जीरो भी हो सकती है। ठीक है, इन सच केसेस द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प्स इन डिफाइनिंग द शेप एंड स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व। जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हेल्प ये करता है कि जो कर्व बनाया जा रहा है उसका शेप क्या कैसा होगा और उसका स्लोप कैसा होगा। ठीक है, वो बहुत स्ट्रेट लाइन होगा, किस टाइप का स्लोप बनेगा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आगे इन्होंने बोला, देयरफॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, फ्लैटर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना ज्यादा फ्लैटर होगा उतनी ज्यादा, मतलब अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हो गया तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, आप देख सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का जो ग्राफ है हमारे सामने है, यहाँ इन्होंने बोला है कि इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द डिमांड कर्व इज रिप्रेजेंटेड एज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे होता है और इसे हम
ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इन्फिनेटिव है. इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज दैट एट प्राइस ओपी डिमांड इज इनफाइनाइट, हाउएवर अ स्लाइट राइज इन प्राइस वुड रिजल्ट इन फॉल और डिमांड टू जीरो. मतलब अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ जाती तो डिमांड जीरो हो जाता. ठीक है, तो प्राइस सेम है, डिमांड इन्फिनिटी पे है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी पे है. हल्का सा भी प्राइस चेंज होगा, डिमांड जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर टू, ये हमारा जो फिगर है फिगर टू है, दैट एट प्राइस पी कंज्यूमर्स आर रेडी टू बाय मच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एज दे वांट. ठीक है, पी प्राइस पे कंज्यूमर जितना भी वो डिमांड करते हैं, जितना भी वो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं. लेकिन अ स्मॉल राइज इन द प्राइस वुड रेसिस्ट कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट. लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो वो कंज्यूमर को रोक देगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. ठीक है, तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. दूसरा है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने घटने का क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता. इन्होंने बोला परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रोड्यूस्ड इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विद चेंज इन इट्स प्राइस. ठीक है, इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में जब प्राइस चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होता. आप जैसा ग्राफ में देख सकते हैं कि P1, P2, P3 तीन अलग अलग प्राइसेस आप देख सकते हैं लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड तो सेम है. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, क्योंकि प्राइस का डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा. प्राइस बढ़े या घटे डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो प्राइस की इलास्टिसिटी प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड इज अनइफेक्टेड. अगला कह रहे हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज जीरो. ठीक है, ईपी इज इक्वल टू जीरो, आप जानते हैं जीरो क्यों, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता प्राइस के बढ़ने या घटने पर. तो इसीलिए हम इसे इनइलास्टिक डिमांड कंसिडर करते हैं. इन द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, डिमांड कर्व इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन. तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल बन रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर. ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द फिगर थ्री. ये फिगर थ्री आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा फिगर यहाँ पे भी आपके लिए हेल्प के लिए लगा रखा है, आप देख सकते हैं. इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर थ्री दैट द मूवमेंट इन प्राइस फ्रॉम ओपी वन टू ओपी टू एंड ओपी टू टू ओपी थ्री डज नॉट शो एनी चेंज इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ओक्यू. तो ओपी वन से आप ये ओपी वन देख सकते हैं, ओपी टू देख सकते हैं, ओपी थ्री देख सकते हैं, जो प्राइस चेंज हो रही है उसे डिमांड में कोई असर नहीं पड़ रहा. द डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ प्राइस. तो जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंट है, आप प्राइस कितना भी बदल दो वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज अ थियोरटिकल कॉन्सेप्ट एंड कैन नॉट बी अप्लाइड इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है ये थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है और इसे हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते. आगे कहा जा रहा है हाउएवर इन केस ऑफ एसेंशियल गुड्स सच एज सॉल्ट द डिमांड डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन प्राइस. तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का सबसे अच्छा एग्जांपल एसेंशियल गुड्स है, जैसे सॉल्ट. सॉल्ट की प्राइस टाटा नमक 20 रुपए किलो आता है, आप उसे 40 रुपए किलो कर दीजिए, आपने प्राइस एग्जैक्टली डबल कर दिया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे उतना अभी भी आप कंज्यूम करेंगे, तो प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आया. और आखिरी में इसमें बोल रहे हैं देयरफॉर द डिमांड फॉर द एसेंशियल गुड्स इज परफेक्टली इन इलास्टिक. ठीक है, जो एसेंशियल गुड्स की जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्योंकि इनके प्राइस में चेंज होने की वजह से उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, हमारा थर्ड जो कैटेगरी है उसमें बोला गया है कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, देखिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में कहा जाता है कि जो क्वांटिटी डिमांड है चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आएगा उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा. मतलब प्राइस अगर 10% फॉल करती है तो 20 से 30 से 40% डिमांड राइज कर जाएगी. तो प्राइस आपका सिर्फ 10% फॉल हुआ है लेकिन डिमांड 30, 40, 50% बढ़ गई. तो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ठीक है, इसमें हम बेसिकली प्राइस को और क्वांटिटी डिमांडेड को आपस में कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं. तो इन्होंने बोला रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रिफर्स टू द डिमांड
when the proportionate change produced in demand is greater than the proportionate change in price of a product. ठीक है, तो proportionate change जो price में आ रहा है उससे ज्यादा proportionate change demand में आ रहा है. ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इसमें आगे कहा जा रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेंजेस बिटवीन 1 टू इंफिनिटी. तो ये 1 से इंफिनिटी के बीच में रेंज करता है, 1 से कभी कम नहीं होता. मैथमेटिकली हम इसे बोल सकते हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज नोन एज मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड. तो दिस इज मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड. यूनिट का मतलब होता है 1. तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, प्राइस के थोड़ा चेंज होने से डिमांड भारी भरकम चेंज हो गया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 20% एंड द डिमांड प्रोड्यूस डिक्रीज बाय 25% देन द डिमांड वुड बी रिलेटिवली इलास्टिक. प्राइस 20% बढ़ा और डिमांड 25% फॉल कर दिया. ठीक है, तो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इसका ग्राफ आप देख सकते हैं. देखिए, P1 से P2 डिमांड फॉल कर रहा था. ठीक है, तो Q1 से Q2 डिमांड इंक्रीज हो गया. तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे प्राइस का जो डिफरेंस है उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है. तो इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर 4. ये फिगर 4 है, दैट द प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड फ्रॉम OQ1 टू OQ2 इज रिलेटिवली लार्जर देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस फ्रॉम OP1 टू OP2. ठीक है, क्वांटिटी चेंज ज्यादा हो रहा है और प्राइस कंपैरेटिवली कम चेंज हो रहा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हैज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्ड इन द सेम मैनर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन देयर प्राइस. ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि रिलेटिवली इलास्टिक जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि कई बार ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि थोड़ा सा प्राइस के बढ़ने और घटने पे डिमांड में भारी भरकम चेंजेस आ जाते हैं. अगला है हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. अब रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, और रिलेट किससे कर रहे हैं, प्राइस से रिलेट कर रहे हैं. किसको रिलेट कर रहे हैं, डिमांड को रिलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे इन्होंने बोला रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड इज 1 व्हेन द परसेंटेज चेंज प्रोड्यूस्ड इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. मतलब इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट की प्राइस में जितना भी चेंज आता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कंपैरेटिवली उतना चेंज नहीं आ रहा, तो इसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बोला इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 30%, प्राइस जो है वो 30% इंक्रीज हो गया, एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेस बाय 10%, जो डिमांड है वो 10% डिक्रीज हुआ, देन द डिमांड वुड बी कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक. तो डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस 30% बढ़ रहे हैं और जो डिमांड है वो 10% फॉल कर रहा है, तो ये रिलेटिवली ज्यादा इलास्टिक नहीं है. ठीक है, इनइलास्टिक है. आगे कह रहे हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेंजेस बिटवीन 0 to 1. तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में रेंज करता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. मार्शल हैज टर्म्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड एज इलास्टिसिटी बिगिन बीइंग लेस देन यूनिटी. ठीक है, तो मार्शल ने क्या बोला कि इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटी. तो हम यहाँ देख सकते हैं द डिमांड कर्व ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड इज रैपिडली स्लोपिंग. और आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में Q1 से Q2 और प्राइस में P1 से P2. इसमें इन्होंने बोला कि इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर 5 दैट द प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड फ्रॉम OQ1 टू OQ2 इज रिलेटिवली स्मॉलर देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस फ्रॉम OP1 टू OP2. ठीक है, प्राइस में OP1 से OP2 तक चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड उतना चेंज नहीं हो रहा जितना प्राइस चेंज हो रहा है, तो ये प्रोपोर्शनेटली इनइलास्टिक है. ठीक है, इसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कंसिडर करते हैं क्योंकि प्राइस में आप देख सकते हैं कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में उतना परिवर्तन नहीं आ रहा. रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हैज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज डिमांड फॉर मेनी ऑफ द प्रोडक्ट रिस्पॉन्ड इन द सेम मैनर विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन देयर प्राइसेस. लेट अस अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशन ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो ये रहा एग्जाम्पल और ग्राफ, और आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा.
और लास्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, साधारण शब्दों में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन, मतलब इज इक्वल टू वन। और इसमें इन्होंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज प्राइस चेंजेस, मतलब 10% प्राइस बढ़ने पर 10% क्वांटिटी फॉल होती है, 10% प्राइस के फॉल होने पर 10% क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड प्रोड्यूसेस द सेम चेंज इन द price of the product, the demand is referred to as unitary elastic demand. ठीक है, the numerical value EP is equal to 1. The demand curve for unitary elastic demand is represented as a regular hyperbola. तो ये hyperbola बनाया जाता है। अब देख सकते हैं P1 से P2 जो price fall हो रहा है, तो Q1 से Q2 demand arise हो रहा है। तो जितना प्राइस फॉल हुआ उतना ही परसेंटेज डिमांड राइज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहाँ पे E is equal to 1 क्या हो गया, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ 1 हो गया। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ई-कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की समरी। जी हाँ दोस्तों, हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया है, उनकी समरी को हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये समरी वीडियो है, थोड़ा शॉर्ट होगा। अगला वीडियो हमारा डिटेल्ड होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको ग्राफ में कंफ्यूजन है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आपको ग्राफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो 5 तरीके का होता है। सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तीसरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, चौथा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, पांचवा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी पे होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक पे प्राइस इलास्टिसिटी जीरो हो जाता है, रिलेटिवली इलास्टिक में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन वन होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक में लेस देन वन होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक में इक्वल टू वन होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आइए ग्राफ से समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो पांचों के अलग अलग ग्राफ हैं। सबसे पहला आप ग्राफ देख सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक का ग्राफ ऐसा होता है, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक का ग्राफ, तीसरा यूनिटरी इलास्टिक, चौथा रिलेटिवली इलास्टिक और पांचवा रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स है, वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीज है। ठीक है, तो हमेशा एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी डिमांडेड लिखिएगा इन यूनिट्स में और y एक्सिस पे प्राइसेस रुपीस में। तो परफेक्टली इलास्टिक जो है ना, जो हमारा सबसे पहला ग्राफ है, इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इन्फिनिटी पे होता है। कारण क्या है इसका, कि कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू बाय ऑल दे कैन गेट एट सम प्राइस बट नन एट ऑल एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। ठीक है, तो कुछ प्राइस के ऊपर कोई भी जो कस्टमर है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदने के लिए तैयार रहता है, लेकिन स्लाइटली अगर प्राइस चेंज होगा तो वो एक भी यूनिट की डिमांड नहीं करेगा। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी पे रहता है, क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो अगर स्लाइटली चेंज हो गई ना तो डिमांड खत्म हो जाएगा। और इलास्टिसिटी आप जानते हैं जो बढ़ना घटना होता है, जो डिग्री होती है चेंजेस, इलास्टिक तो वही हो गया, तो हल्का सा प्राइस में चेंज आपकी डिमांड खत्म कर सकता है, इट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है। दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, वो कैसे हुआ, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आप नीचे एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं कि आपकी जो क्वांटिटी है क्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रहा है, इसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंजेस। ठीक है, प्राइस की चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज नहीं हो रहा तो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू जीरो। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी मतलब होता है इक्वल टू वन। ठीक है, यूनिटरी मतलब
जो 1 के बराबर है। तो इसमें क्या है कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उसके बराबर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, ठीक है। तो यूनिटरी में बोला जाता है ईपी इज इक्वल टू 1, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज चेंज इन प्राइस। तो जितना जिस रेट में प्राइस चेंज हुआ पी से पी वन गया, उसी हिसाब से क्यू से क्यू वन आपका डिमांड चेंज हुआ, ठीक है। आपको मालूम है ना प्राइस के बढ़ने पर डिमांड फॉल करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पी नीचे था, पी से ऊपर जैसे ही प्राइस बढ़ गया वैसे ही जो डिमांड है वो क्यू से क्यू वन पे आ गया। तो ये पीई डी वन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन इज इक्वल टू 1। रीजन क्या है कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज द प्राइस चेंजेस, ठीक है। अगला है रिलेटिवली इलास्टिक। अब रिलेटिवली इलास्टिक में हमने क्या बोला, PED प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें कहा जाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज देन इन प्राइस, मतलब आपका जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली कम चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस के कम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। आप ये देख सकते हैं ना ग्राफ में, तो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, जहां पे प्राइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई, ठीक है। तो ये रिलेटिवली इलास्टिक है। रिलेटिवली इन इलास्टिक में कहा ये जाता है कि व्हेन ईपी इज लेस देन 1, ये आप देख सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन चेंज इन प्राइस, मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे कम क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं वाई एक्सिस पे प्राइस पी से पी वन तक गया है, लेकिन अब आप बड़े साफ सुथरे तौर पे देख सकते हैं कि पी से पी वन तक जब गया है तो ये प्राइस ज्यादा बढ़ी है, लेकिन डिमांड कंपेरेटिवली उतनी चेंज नहीं हुई है। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से क्यू वन तक ही पहुंचा है, जबकि पी से पी वन का जो डिफरेंस है गैप है बहुत ज्यादा है, मतलब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कंपेरेटिवली उतना फॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो ये थे हमारे 5 ग्राफ जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो क्या होता है, किस बेसिस पे होता है। और डिटेल वीडियो, अगला हमारा जो वीडियो होगा बहुत डिटेल होगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा, आपको और चीजें भी क्लियर होंगी। आई होप एंड बिलीव कि आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल AU कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है, हम एक्चुअली आज के टॉपिक में ना क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दो क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करना है, उसे सॉल्व कैसे करना है और उसका लास्ट में स्टेटमेंट क्या देना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है जिसमें कहा गया है कि कंसिडर द डिमांड फॉर अ गुड, हमें डिमांड के बारे में पता लगाना है, और आगे इन्होंने कहा एट प्राइस रुपीज 4 द डिमांड फॉर द गुड इज 25 यूनिट्स, मतलब 4 रुपए में 25 यूनिट की डिमांड की जा रही है। सपोज प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस 2 रुपीज 5, हम ये मान लेते हैं कि चलिए 4 रुपए का जो प्राइस था वो बढ़कर के अब 5 रुपए हो गया है, एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द गुड फॉल्स टू 20 यूनिट्स। तो जब 4 रुपए का था तो 25 यूनिट्स की सेल हो रही थी, अब 5 रुपए का हुआ तो डिमांड जो है वो 20 यूनिट्स हो गया, मतलब 5 यूनिट कम हो गया। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में पूछा जाता है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी। देखिए ओरिजिनल क्वांटिटी 25 यूनिट्स थी, ओरिजिनल प्राइस क्या था 4 रुपीज था, ठीक है। फॉल इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 25 से 20 हो गई तो कितना फॉल किया, दैट इज डेल्टा क्यू। डेल्टा मतलब होता है चेंज और क्यू मतलब क्वांटिटी, तो फॉल कितना हुआ -5 यूनिट्स, और प्राइस कितना राइज हुआ +1 रुपीज, ठीक है। आगे इन्होंने बोला न्यू क्वांटिटी कितनी है, तो न्यू क्वांटिटी 25 में जब हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना आया 20 यूनिट्स, ये तो क्वेश्चन में बताया है, और न्यू प्राइस कितना है 5 रुपीज। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी, अब इसका फॉर्मूला इन्होंने बताया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी,
डेल्टा पी मतलब होता है चेंज इन प्राइस, पी जो है वो ओरिजिनल प्राइस है और क्यू जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया कि माइनस फाइव डिवाइडेड बाय वन मल्टीप्लाई बाय फोर डिवाइडेड बाय 25। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -0.8। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, -0.8, दैट इज डिमांड इज लेस इलास्टिक एज ईडी इज लेस देन वन। ईडी इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कितना है 0.8, इट इज लेस देन वन। तो इन्होंने बोला कि जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो नेगेटिव साइन है वो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है उल्टा रिलेशनशिप। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड फॉल करता है और जब प्राइस फॉल करती है तो डिमांड राइज करता है। तो सेम चीज हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि व्हेन द प्राइस इज रुपीज 20 पर यूनिट, जब प्राइस जो है वो 20 रुपए पर यूनिट है तो जो डिमांड है वो 500 यूनिट्स है, लेकिन प्राइस अब फॉल कर रहा है 15 पर यूनिट पे आ गया है, 5 रुपए कम हो गया है, तो डिमांड एक्सपैंड करके 800 यूनिट तक पहुंच गया है। आपको कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारी 500 यूनिट्स, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारा 20 रुपीज, न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई 800 यूनिट्स, न्यू प्राइस कितना है हमारा 15 रुपीज, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है मतलब डेल्टा क्यू, डेल्टा मतलब चेंज और क्यू मतलब क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है हमारी 300 यूनिट्स, मतलब 800 में 500 माइनस करेंगे तो 300 आएगा, राइट, न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे, और चेंज इन प्राइस 15 में से 20 को हमने माइनस किया तो 15 माइनस 20 माइनस 5, 5 रुपए कम हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आप जानते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो 300 डिवाइडेड बाय माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 500, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2.4। माइनस साइन का मतलब अभी बताया था इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड फॉल करेगा और जब प्राइस फॉल करेगी तो डिमांड राइज करेगा, ठीक है, -2.4 आया लेकिन इट इज ग्रेटर देन 1। तो इन्होंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2.4, डिमांड इज हाईली इलास्टिक एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। नेगेटिव साइन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, आप समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। देखिए जब ED is equal to 1 आता है तो यूनिटरी इलास्टिक होता है, जब ED is greater than 1 आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 तो बहुत हाईली इलास्टिक है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 तो लेस इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स की मदद से आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है और लास्ट में क्या स्टेटमेंट दिया जाता है। उम्मीद है इससे आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।